कौन लेटा है वहां पर? लड़की लग रही है। ए सुनो, ए लड़की, अरे उठो, ट्रेन आ रही है। क्या लड़की है यार? ए, ए उठो। पांडे, क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? क्यों मुझे बार बार छोड़कर चले जाते हो? ए, तुम हो कौन? हा? कौन हूँ? बाप रे, मैंने तुम पर विश्वास किया ना, मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर मरने आई हूँ। मेरी वजह से मरने आई हो तुम? पी कर रखी है तुमने। मैं भी वैसे पी कर ही आया हूँ, पर तुमने सारी उतार दी। अब चुपचाप बताओ, कौन हो तुम? क्यों नाटक कर रहे हो? तुम पांडे ही हो ना? पांडे वांडे नहीं हूँ मैं, धोनी, धोनी कुमार नाम है। तुम कौन हो? ओह, नाम बदलने से इंसान बदल जाता है क्या? अगर तुम पांडे नहीं हो तो तुम्हारे हाथ में निशान नहीं होना चाहिए। दिखाओ मुझे, दिखाओ। क्या निशान विशान कर रही हो तुम? दिमाग खराब है क्या? तुम सच में पांडे नहीं हो? अरे बोला ना, मैं पांडे वांडे नहीं हूँ। अब तो बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम नदिया है। हमारे गांव में मेला लगा था, वहीं पर तुम्हारे जैसे ही एक खिलौना बेचने वाला आया था। मैं उसे पसंद करने लगी थी और उससे मिलने के लिए गांव में मेला लगने का इंतजार करती रहती। उसी का नाम पांडे है। जो लोग शीतला माता को प्रसाद भेंट करना चाहते हैं, वो आकर भेंट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेले में आए सभी लोगों के लिए एक सूचना। शुभ समय के अनुसार जो लोग शीतला माता को प्रसाद भेंट करना चाहते हैं, वो आकर भेंट कर सकते हैं। खिलौना, खिलौना, एक खिलौने वाले, उठ जा यार। ऐसे दुकान पर सो रहा है, अच्छा लगता है क्या? अब दुकान पर नहीं सोएंगे तो क्या टॉयलेट में सोएंगे? सुबह सुबह धंधे पर ध्यान दो ना। हाँ तो फिर शाम को दारू बेच सकते हैं। अरे तुम भी ना। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे शेर चाहिए। ये हुई ना शेरों वाली बात। अरे वहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर। अरे उधर कहाँ देख रहे हो? यहाँ पर है ना। अरे राइट में देखो ना, राइट में तुम्हारे। ये शेर है और नहीं तो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो हिरण है। हाँ, ये हिरण है। हाँ और नहीं तो क्या, हिरण ही तो है। ध्यान से देख भाई, ये घोड़ा है। हाँ हाँ, घोड़ा ही है, घोड़े की तो सूंड होती है। किस देश में घोड़े की सूंड होती है? अरे यही तो है ना। एक दुमका ना बस। अब ये हाथी है। क्या कहा, हाथी है? आप क्या देख रहे हैं? हाँ भाई, कितने का है ये हाथी? अबे आगे से तुझे हाथी नहीं दिख रहा है, पीछे से क्या देख रहा है तू? हाँ ठीक है, वो छोड़ो, कितने का दोगे? रुपए का। अरे बाप रे, इतना महंगा? चलो मुझे वो नहीं चाहिए। ये नाव कैसे दिए? हाँ? वो नाव है। अरे ठीक है छोड़ो, कार ही समझ लो। कार है। कितने की है? हाँ, उसे वहीं रख। तुम कस्टमर को ना कह रहे हो? चुपचाप रख दे वहाँ पे, तू कस्टमर है, पागल है तू? 100 रुपए का खिलौना तो खरीदता नहीं है, और ऊपर से हाथी को घोड़ा बोलता है, हेलीकॉप्टर को कार बोलता है, पागल है क्या? दोबारा दिखा तो मार डालूंगा तुझे। अरे सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर। ट्रेन रखी तो है, ले लीजिए। अरे मुझे ट्रेन नहीं, हेलीकॉप्टर चाहिए। हे भगवान। हाँ हेलीकॉप्टर है, ले लीजिए। कितने का है? 2000। 2000 रुपए का? 2000 है। ये बहुत तो ही स्पेशल है, हरा दबाओ तो ऊपर जाता है, लाल दबाओ तो सीधा जाता दोनों है। एक साथ दबाऊं तो? खुद ही दबा के देख लेना।
हाँ तो ठीक है, सैंपल दिखाओ। सैंपल चाहिए? आगे से राइट वाली दुकान में मिलेगा। ओ, इसे चलाकर दिखाओ। अच्छा, चला के दिखाना है। पहले इसे ओपन करके नीचे ऐसे जमीन पे रख दो। यहाँ देखो, लेफ्ट में लाल और राइट में हरा बटन लगा हुआ है ना, हरा बटन दबाते ही ये ऊपर जाएगा। देखो, हरा बटन दबा दिया, अब ये ऊपर जा रहा है, गया ना। अब ये राइट गियर डाला तो राइट जाएगा, लेफ्ट गियर डालने पर ये लेफ्ट जाएगा, देखो जा रहा है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे प्यार करोगी। अच्छा ये बताओ, मुझे अच्छा क्या लगा? तुम्हारा हेयर स्टाइल। ओ ओ ओ, ऐसे घुंघराले बाल तो यहाँ किसी के भी नहीं है। बचपन से मेरे साथ है, कहीं नहीं जा सकते। अबे झूठे, बचपन वाले बाल तो तेरे कब के चले गए। ये क्या चमत्कार हुआ, अभी तो ये शानदार दिख रहा था, अचानक ये शाकाल जैसा क्यों दिखने लगा? जा बे, तू और तेरा प्यार पक्का फ्रॉड है, चल निकल यहाँ से। नयन, नयन प्लीज, नयन सुनो ना। ओ, ऊपर चलाकर दिखा दिया, अब नीचे चलाकर दिखाओ। तो ऐसे बोलना, ये पकड़, दूसरा ला रहा हूं। बक बक करती ज्यादा भाव खा रहा है। तुम ज्यादा भाव खा रही हो, ये इम्पोर्टेड पीस है। पहले हेलीकॉप्टर को नीचे स्टैंड पर खड़ा करो, तुम जैसा बोल रही थी लो एंगल में सीधा जाएगा। हाँ देखो जा रहा है ना, जा रहा ना, देखो सीधा जा रहा है। अरे ये क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे बटन, ओह माय गॉड, अरे 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 अरे, आज तो लग गई। ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह मेरी सारी मोहिनी खराब कर दी है तूने। अरे बाप रे, इसे संभालो, मैं छुप जाता हूँ, वो भीम की बेटी आ रही है, मुझे बचा लो। तुझे मारने के लिए और छुपने के लिए ये जगह मिली थी क्या? अब आइए आइए आइए, सुंदर सुंदर खिलौने देखिए, एक से बढ़कर एक। ये देखिए, ये कुत्ता है, सुपर सुपर डॉग, डॉग डॉग सुपर सुपर डॉग। और ये देखिए, एक सुंदर भालू, बहुत ही अच्छा भालू, एक बार लीजिए, दोबारा कभी मत आइए, बहुत सुंदर है। तुझे ये मारने की जगह दिखती है? नहीं, तो आरती उतारने की जगह दिखती है। अबे मुझे क्यों मारा? मारने की छोड़ो, फटने का जवाब दो पहले। पहले मुझे मारा क्यों ये बता। हेलीकॉप्टर आ रहा था तो रनवे पे चलने के लिए किसने बोला था तुम्हें? तुझे ये मार्केट रनवे दिखता है क्या? तुम्हें लगा इसीलिए गुस्सा हो रही हो ना, और मेरा हेलीकॉप्टर फट गया तो सोचो मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। पहले मुझे जवाब दो। जरा चुप रहो मेरी माँ, इनसे हिसाब किताब करने दो। पहले मुझे जवाब दे, मुझे पैसे वापस दो। पैसे वापस नहीं मिलेंगे, मुझे मारा क्यों, सैंपल दिखाओ, दिखाओ सैंपल। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो सब कुछ जला दूंगा, चुप रहो नहीं तो ठीक नहीं होगा। एक तो जान बूझ के मारा और फिर मुझे। अरे मेरी बहन, गलती से हो गया था वो, अब जाइए यहाँ से, दुकानदारी मत खराब कीजिए मेरी। ठीक है माफ कर देती हूँ, मेहरबानी आपकी, आगे से ध्यान रखना। ठीक है जाइए ना, जाइए ना, अपनी सवारी लेकर जाइए। सैंपल दिखाओ, चलो दिखाओ। अरे इस गरीब की जान ले लो, जल्दी दिखाओ। मेरे पास बस एक ही बचा है। अरे तुमसे किसने बोला खरीद कर लाने के लिए हेलीकॉप्टर? किसी ने भी, तुम दिखाओ। हाँ इसके बाद सैंपल बोला तो अच्छा नहीं होगा, इसकी बोहनी तो होनी चाहिए। तुम्हारे चक्कर में मेरा इतना नुकसान हो गया, ये लास्ट हेलीकॉप्टर है, इसे उड़ा रहा हूँ, इसको लेकर के तुम भी उड़ जाना धीरे से। पहले सही से चला कर। अरे मैं तो सही चला रहा हूँ, तुम देखो क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको। हुआ 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 हुआ, बस बस बस, शाबाश शाबाश, देखो देखो उड़ रहा है, उड़ रहा है। देख लिया ना सैंपल, अब हेलीकॉप्टर को वापस बुला लूं क्या? बढ़िया है बढ़िया। अरे अरे बाप रे, ये क्या हो गया, बैक करो, अरे बैक करो, कुछ तो गड़बड़ है। अरे अब मैं इसी से तेरा सर फोड़ने वाला हूँ, एक बार फिर से सिग्नल कट गया। मेरे सर पे सैंपल दिखा, सैंपल दिखा, थुप। अरे अब 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 मर गए। पांडे, पांडे कौन है ये? पांडे कौन है ये? पांडे वीरों का वीर, वीरों का राजा, वीर शिवाजी का पोता है। देखना अभी उसकी एंट्री कैसे होती है। थैंक यू यार, तू आ गया और तूने इस सुंदर लड़की की जान बचा ली। लड़की? हाँ। ये इम्पोर्टेंट पीस है, डैमेज हो जाता ना, नुकसान हो जाता हमारा। इसके लिए कितना बोल रहे हैं? पहले जो टावर से टकरा कर चकनाचूर हो चुके हैं। क्या हुआ? नहीं वो अमेरिका ट्विन टावर। अब ए, दुकान पर कौन है? अब दुकान पर तो मैं ही रहता हूँ। तेरी तो मैं चल। आइए आइए बहनों, आइए आइए, देखिए खिलौने देखिए। मेरे दोस्तों के दोस्त और मेरी बहन के भाइयों, लड़कियों को देखने आए लड़कों, जवानी को याद करने आए बूढ़े,
आइए बहनों, माजी आइए, आइए बहन, और देखिए कि ये हिरन कैसे नाचता है। देखिए कैसे नाचता है। हिरन ऐसे नाचता है क्या? नहीं, वो तो बस ऐसे नाचता है। बहन भाइयों माजी आइए, देखिए कि हाथी कैसे हल्ला करता है, वो देखिए। वो देख, आइए बहनों माँ जी, आइए आइए बहन जी, आइए आइए बहन जी, आइए आइए, देखिए खिलौने खिलौने, अच्छे खिलौने, बढ़िया। देखिए देखिए शेर कैसे दहाड़ता है। ठीक से करना। अरे बेटा, इस शेर की दहाड़ तो बिल्ली जैसी है। शेर के गले में खराश है, इसलिए जेब में पैसे हैं नहीं है। तो चुपचाप निकल लीजिए। आइए आइए आइए। अरे तुम्हारे बंदर को जुकाम है क्या? क्या हुआ? उसे नाचते हुए देखना है ना? बंदर को नाचते हुए देखना है? गोरिल्ला को नाचते हुए देखा है? इधर आओ, दिखाता हूँ कैसे नाचता है वो। धूप में खड़े होकर के खिलौने बेच रहा हूँ और तुझे बंदर का नाच देखना है? क्या कर रहा है? पागल है क्या? अरे पूछ रहा था कि बंदर कैसे नाचता है दिखाओ। इसीलिए बंदर कैसे नाचता है दिखा रहा था। ऐसे ही करता रहा तो हो गया धंधा हमारा। इनके जैसे आएंगे तो हो चुका धंधा। आइए बहनों, भाइयों, आइए, बोलने वाली डॉल ले जाइए। ये डॉल बोलती है? हाँ, ये डॉल बोलने वाली है, देखिए। हाँ, बहुत अच्छी डॉल है, सारी भाषाएं बोलती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयाली, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी। कितने की है? सिर्फ 2000। सुनो, 2000 में कंपनी को घाटा हो जाएगा, 2000 लगेगा। राजी हो तो बोलो, लेकर के जाओ। मैं भी वही बोला ना। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? कुछ ज्यादा ही देसी घी और बादाम डालकर बनाया है इसे। अपनी शक्ल देखिए। अरे नहीं नहीं, ये बहुत स्पेशल है, ये आप जो भी पूछोगे उसके सही जवाब दे दिए। बिल्कुल सही। देख सकती हूँ क्या? अभी दिखाता हूँ। यस यस, श्योर श्योर। अब देखना मेरी बातों का जवाब देगी। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज वोडका। अच्छा, तुम खाती क्या हो? अच्छा, अरे वाह, ये तो राइमिंग में बात करती है। हाँ, क्यों नहीं? राइमिंग ही नहीं, राइम्स भी सुनाती है। हाँ जी, जरा तुम बात करके देखो। बहुत अच्छे से बात करती हो, मेरे साथ चलोगी? पैसे दोगे तो मैं कहीं पर भी चलूंगी। बिल्कुल इनकी ही तरह, बहुत ही प्यारी बात करती है ये। आप किस करेंगी तो ये भी आपको किस करेगी। हाँ बिल्कुल, वो भी मेरी तरह। अब पैक करके दे दीजिए। ठीक है, पैक कर दो भाई। लाइए इधर दीजिए, असली है। अरे लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। अब अपना मुंह बंद करो, हमसे ज्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे ये लोग, यहाँ धूप में मरती रहती है। हाँ ये सही कह रहा है, आप जाइए। हाँ हाँ, जाइए जाइए जाइए, रास्ते से कपड़े खरीद लीजिएगा उसके लिए। आइए आइए। कहाँ चली गई वो? सब वहाँ खड़ी है। इसके पैसे तुम देना। तुम लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ? हम तो यहीं पर हैं। ये हाथ में क्या लिया है? ये जापान की डॉल है, इससे जो भी पूछते हैं उसका जवाब देती है ये। अच्छा, तो फिर बोलने के लिए बोलो। एक मिनट। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जूलिया। ये क्या, यहाँ कुछ और कह रही हो और वहाँ कुछ और कहा था? तुम क्या टीचर हो जो सवाल पर सवाल किए जा रही हो? 2000 रुपए देकर कितने सवाल पूछ रही हो? देखो ऐसी बातें मत करो। हाँ अच्छा, जैसे कि तुम मुझे डेली खाना खिला रही हो। अच्छा, तुम खाती क्या हो? एक वाटर थोड़ा सा अचार, इसे पीने के बाद नशे में मस्त हो जाऊंगी। इसके थॉट तो देखो, तुम डॉल होकर इतनी बातें करती हो, अगर तुम्हें जान होती तो तुम क्या करती बताओ? तुम सबको अपना गुलाम बना दी। चलो बच्चों, तुम लोगों को भी आइसक्रीम खिलाता हूं। आइसक्रीम नहीं तो ना भैया, ड्रैगन वाले झूले में जाना है। ड्रैगन वाला झूला? चलो पहले आइसक्रीम खा लो, उसके बाद हम सब मिलकर ड्रैगन का झूला झूलेंगे। 4 बार झूलेंगे। मैं 3 ही राउंड जाऊंगा। देख तुझे जाना है तो चला जा। मैं उस राउंड की नहीं, इस राउंड की बात कर रहा हूं। सुनो भाई, आइसक्रीम दो। किसके पैसों की आइसक्रीम खिला रहे हैं बच्चों को? कैसी डॉल दी है तुमने कि सब कुछ गलत बोल रही है? गलत बोल रही है? जरा पल्स दिखाओ। पल्स तो इसके नॉर्मल है, इसको पोटी ठीक से आई थी ना। लाओ जरा। कुछ ज्यादा ही बातें की क्या? हाँ, ये लोग ज्यादा बात कर रहे थे। अरे ऐसे बात नहीं करते, तुम्हें पैसे देकर खरीदा है ना इस काम वाली मैडम ने, सॉरी ओनर मैडम ने। सही तो बात कर रही है, क्या चाहिए आपको? जब मैं बात कर रही थी तब सब कुछ गलत कह रही थी। अब ये लाल वाला दबाया था क्या? जी हाँ। तभी गलत बटन दबाया ना, इसलिए गलत मोड ऑन हो गया, अब ठीक हो जाएगा। सॉरी सॉरी। ये देखिए यहाँ पे, ये जो येलो बटन है ना, इसे दबाइएगा, सब ठीक हो जाएगा मैडम। हेलो, वो येलो नहीं ग्रीन बटन है। मेरे स्कूल में इसे यही बताया गया था। अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी ना? अगर दूसरी बार ऐसा किया ना तो इसके पापा को बोल देना। इसके पापा? वो कौन है? चिट्टी रोबो। सिटी रोबो? हाँ, ये विलेज रोबो है। अब ठीक है ना?
अरे यार चलो चलो झूला झूलेंगे। चलो 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 आजा। अरे भाई मेरा हिस्सा तो दे। अरे चलो ना। देखने से तो अच्छा लग रहा है। मैं झूला नहीं झूलूंगा। अरे तू जा तो सही। यहाँ आए लोगों के लिए एक सूचना, हमारे यहाँ के चेयरमैन माता की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बार पहले से ज्यादा लोग आए हैं ना। अंदर बहुत भीड़ है, तुम यही रहकर बच्चे का ध्यान रखना। अंदर मत आना, यही रुकना। उसे अंदर आने के लिए क्यों मना करें? उसे आने दो ना। आपको कुछ नहीं पता, आप चलिए। कोई बात नहीं, आप जाइए, हम यहीं रुकेंगे। बच्चों को लेकर मंदिर में आ जाते हैं लेकिन बच्चों का ध्यान नहीं रखते। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा। अरे एक बच्चे के दिल को बच्चा ही समझ सकता है। बेटा जरा इधर आओ तो। बेटा मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो। क्या हुआ अंकल? हां वेरी गुड बेटा, ये जो है ये तुम्हारा भाई है बेटा, जरा इसे चुप करा दो, बहुत देर से रो रहा है। तुम प्यारी बच्ची हो ना, अगर उसका रोना बंद करना है तो एक खिलौना दीजिए। अब रिश्वत, इस उम्र में रिश्वत मांग रही है? अच्छा ठीक है, ये लो डॉल तुम्हारे लिए। अच्छा वो हिरन चाहिए तुम्हें? ये लो बेटा, ये लो हिरन ले लो। अच्छा सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे। बड़ा वाला। क्या मुसीबत है ये लो, इसे चुप तो कराओ। ये भी ले लो और साथ में ये भी ले लो। अरे भगवान ये सब रख लो तुम, लेकिन बेटा कम से कम इसे चुप तो करा दो। इधर आ बेटा। छोटू तेरा नाम क्या है? दीदी को देखो, दीदी को देखो, नाम बता बेटा। तेरा नाम क्या है? नाम क्या है, नाम क्या है? मुंह में लॉलीपॉप रख के नाम पूछती है। अरे कैसे समझेगा ये तुम्हारी बात। अरे अब क्या हो गया? अरे तुम भी शुरू हो गई। अरे चुप हो जा। अरे बेटा, अरे कहाँ फंस गया मैं? अरे बेटा खिलौना मत देखो, बहुत महंगी है ये। बेटा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। तुम्हें लॉलीपॉप दिला दूंगा, चॉकलेट दिला दूंगा, टॉफी दिला दूंगा, मेरी बात तो सुनो। मान जा बेटा, मान जा, मान जा। ये कौन हंस रहा है? दो चार दांत है वो भी निकाल दूंगा, सब तेरी वजह से हुआ है। अरे मेरे बाप, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा। कुछ नहीं, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे बेटी 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 सुनो मेरी बात सुनो। अरे बेटा बेटी बेटा बेटी बेटी। अरे भगवान कहाँ फंस गया? हे भगवान, इन दोनों ने मिलकर मेरा धोता चौपट कर दिया। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ? हे भगवान मुझे उठा ले, या तो इन बच्चों को चुप करा दे। फंस गया बाप। भाई पता नहीं कहाँ से ये मेरी कुंडली में आ गया। सुबह सुबह चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, चुप ही नहीं हो रहा है। पता नहीं किसने पैदा किया इसे, इसे चुप कराने के लिए मैंने इसे बुलाया। अब इन दोनों ने मिल करके मुझे रुला दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? हे भगवान मुझे बचा लो। अरे ऐसे बच्चों से मुझे बचा लो। बस इनका रोना बंद करना, यही बात है ना। मर गया। हाँ भाई हाँ, आ जा। अरे बाप रे, मेरी आंखों में देख, अच्छी तो लग रही है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। सर पे क्यों मार रहा है? इसको बिस्तर खराब कर दूंगा। अब चुप। इन दोनों को बहुत मजा आ रहा है। देखा, रोना बंद हो गया ना। ए छोटू इधर आ। अब मैं मार खा रहा हूं तो मजा आ रहा है तुझे? बेटा तुम भी इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? साधना। साधना, अरे वाह, कसम से दिमाग खराब कर। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हारी माँ कहाँ पर है? उस दुकान पर। तुम जानती हो वहाँ कैसे जाना है? ठीक है तो अपनी माँ के पास जाओ। अगली बार देखी ना तो मार के सर फोड़ दूंगा, भाग यहाँ से। hey, तुम्हारा नाम क्या है? वेंकटेश। वेंकटेश? वेंकटेश। वेंकटेश। और तुम्हारी माँ? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, कहाँ चला गया था? थैंक यू सो मच। सुनिए, ये आपका बच्चा है क्या? नहीं, मेरा भाई है। भाई बड़ा आया भाई, बच्चे की जगह शैतान पैदा कर रखा है। हमारी जान निकाल के रख दी इसने, ऐसे कोई छोड़ता है क्या? और नहीं तो क्या, बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं क्या? वो मैं पूजा कर रही थी तो ये वहाँ से चला आया। ठीक है, ध्यान से लेकर जाओ। पूजा कर रही थी, पूजा एक मिनट। ओए, एक खिलौना दे। ए मत देना, नाटक करता है। ठीक है ना, एक और मुफ्त का। जाओ बाय। अंकल को बाय करो। ए चुपचाप निकल ले, एक ठुमका बस नानी आदा देगी तेरी। बाय बोलता है। ए भैया कितनी देर से बैठे हैं, बहुत गर्मी हो रही है, जल्दी चालू करो ना। अरे रुको बहन, तीन सीट खाली है ना, लोगों को आने दो तभी चालू करूंगा। कितनी जल्दी है,
तीन लोग और आ जाते हैं बस। गर्मी। ला 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 ला। अरे भाई साहब इधर आइए इधर। क्या हुआ? भाई आप दिखने में अच्छे लग रहे हैं, एक राउंड घुमा के जाइए ना। घुमाना है तो ठीक है, घुमा देता हूँ। ये क्या किया तुमने? तुमने ही तो घुमाने के लिए बोला था। मुझे नहीं, झूले में घूमने को बोला वो था। घुमाने का काम तेरा है, आते जाते लोगों को परेशान कर रहा है। पागल कहीं क्या का आदमी? अरे मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे चल जा। मेरा नाम है, रुतबा है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे गर्मी लग रही है, मेरा बीपी बढ़ रहा है। अरे मर तो नहीं रही हो ना? कह रही है बीपी बढ़ रहा है। अरे कोई तो आ जाओ, झूला घूमे ना घूमे मेरा सर घूम रहा है। क्या दोस्त, झूले को चलाने के बजाय रोक कर क्यों रखा है? अरे क्या बोलूं, एक चढ़ता है दूसरा उतरता है, वेट की दिक्कत है। वेट की दिक्कत है? चल मैं बैठता हूं, चालू कर। अच्छा बहुत अच्छी बात है, एक आदमी आ गया, दो लोग और चाहिए। चलो कोई तो आया। ध्यान से कहीं तुम जल ना जाओ, मैं ज्वाला हूँ। जरा ध्यान से कहीं झूला ही ना जल जाए। कितनी देर से धूप पे बिठा रखा है कलुआ कहीं का। अरे रुको बहन रुको, चालू कर रहा हूँ। अरे रे रे रे, ये भी उतर गई। क्या बोलूं, एक आता है दूसरा उतर जाता है, क्या करूं बताओ, ऐसे कैसे चल जाते। अरे मुर्गन, अरे आजा मेरे प्यारे मेरे शेर, आजा 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 आजा। ये ला। वेरी गुड वेरी गुड, चल जाके बैठ जा। बैठू? हाँ झूले पे जाके बैठ। ओ 500 रुपए के खुले चाहिए। तुम बैठने नहीं आए थे क्या? अरे मैं क्यों बैठूंगा, अरे एक ही राउंड बैठ जाओ। नहीं नहीं, खुले दो दो, खुले दो ना। अरे बैठो बैठो, अरे अरे आ जाओ आ जाओ, बहुत काम है भाई। अरे बैठ जाना, खड़ा है तुम तो। एक राउंड, एक राउंड की तो बात। अरे नहीं नहीं, देखो एक सुंदर लड़की आगे बैठी है, एक बार देखो तो सही। अरे वहाँ जाके बैठ जाओ ना, एक राउंड की तो बात है। अच्छा मौका है बेटा, की वजह से डर लग रहा है क्या? जगह बदल दूं क्या? ए तुम वहाँ जाओ और तुम उधर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए आप बोल रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, सिर्फ आपके कहने पर। मेरे लिए मैं तो नहीं बैठता मैं। हाँ हाँ जाइए स्वामी, मेरी जान। बैठ के रास्ते से नहीं, क्या हुआ? वो कोई जाने का रास्ता है क्या? उधर से जा रहा तेरा कच्चू पर निकल जाएगा, उतनी बड़ी सीढ़ी है, तुझे दिखाई नहीं दे रही है क्या? उधर से जा। अरे ऐसे क्या चिल्ला रहा है, आ, जाता हूं ना। इससे पहले कि कोई और उतर जाए झूला चालू कर देता हूँ। ए चालू कर रहे? आ गया मेरी जान। ये क्या लिखा हुआ है? ओ भाई ये क्या है? जिसको वो दिक्कत है वो झूले में ना बैठे। जिसे दिक्कत है वो इसमें नहीं बैठे तो फिर इनको क्यों बिठा रखा है तूने? इसमें एक बात नहीं लिखी है। वो क्या है? खराब दांत वाले भी नहीं बैठ सकते। ऐसे चिल्ला मत, सब उतर के भाग जाएंगे यहाँ से। क्या चिल्लाता रहता है। एक बात और सुन, झूले को राउंड में मत चलाना, चक्कर आता है, सीधा चलाना इसे। सीधा चलाऊंगा ना तो शमशान पहुँच जाएगा, जाना है। अबे तेरी बात सुनता रहा तो सच में शमशान पहुँच जाऊंगा। सॉरी 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 सॉरी, वो हिल रहा था ना इसलिए। पहली बार है, आराम से पांडे तेरा कंपार्टमेंट सही है, सुपर। मेरा थोड़ा कमजोर है। हाँ सब एक साथ बैठे हो, अपने हाथों पैरों को हिलाए बिना जैसे हो वैसे ही बैठे रहना। पैसा कमाने आया हूँ। पैसे कमाने आया तो कमाना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू? मैं तो खिलौने बेचता हूँ, वैसे आप क्या बेचती हैं? हाँ? सैंडल बेचती हूँ। फिर तो आपके पास हर नंबर का सैंडल होगा, वैसे आपका क्या नंबर है? क्या कहा? नहीं 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 कुछ नहीं। ए भाई क्या कर रहे हो, घुमाओ ना। तू चुप कर। हेलो सब लोग सुनिए, ये 5 तोले की चेन मैं नीचे गिरा रही हूँ, और जो भी इसे उठाएगा मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। अरे 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 मेरे पैसे, अरे अरे मेरे पैसे गए, सुनो, अरे अरे मेरे पैसे, रुक रुक, अरे यही पैसे मैं झूले वाले को दे देता, कहाँ फंस गया? अरे मेरा सर घूम रहा है, अरे रोको, ओ अरे बाप रे मर गया, तुम जाओ क्या नीचे, अरे तुम भी क्या कर रही हो, मेरा हाथ पकड़ो, अरे मर गया, हे भगवान कहाँ निकल गया मैं झूले में। क्यों दोस्त, पहले तो तू सिर्फ पांडे था, अब तो चैन पांडे बन गया है तू। जो भी मांगना जरा वजन वाला मांगना, धूप में खिलौने बेच बेच के थक गए यार। मांगो 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 ना यार, मांगो भाई। सुनो क्या है, पास आओ। पास बुला रहा है, बोल भाई। मैंने लड़की को बोला तुझे नहीं, दूर जा। मुझे लगा तू मुझे पहनाएगा। पास आओ ना। अरे यहाँ पब्लिक है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हे भगवान। और पास आओ।
टाइम है, बहुत पब्लिक है, कुछ ऐसा वैसा मत करना यार, नहीं तो बहुत पीटे जाएंगे। भाई भाई तू होश में है ना? होश में है ना? आ चलो भाई, जाओ 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 यहाँ से जाओ। अरे जो होना था हो गया, जाओ जाओ अपने काम पे जाओ, जाओ मेला देखो, आज तो संडल पड़ेगी। इसकी सही जगह तुम्हारे गले में है। हा? सेठ की दुकान इससे भी अच्छी होती। ये लो ये तुम पहन लो। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या देख रहा है? चलना। अरे मेरी बात सुन यार, अरे कहाँ ले जा रहा है? अरे वो तो मदुरई से आए हुए लोक नृत्य करने वाले हमारे गांव में नाच दिखाने आए हुए हैं। यहां मेले में आए उन सभी लोगों से अनुरोध है कि इस डांस प्रोग्राम का हिस्सा बने। यहां जितने लोग भी आ रहे हैं लड़की पर पैसे लगा रहे हैं, मुझे पैसे दे, मैं भी लगा कर आता हूं। पैसे नहीं है मेरे पास। ए देना भाई, डांस खत्म होने वाला है। बोला ना नहीं दे सकता। अरे पांडे मेरी बात क्यों नहीं समझता है? अरे इज्जत की बात है यार। तो क्या हुआ, जाने दे उसे। मैं दुकान में पार्टनर हूँ ना, दुकान के 20 खिलौने में 10 मेरे होते हैं ना, 5 हिरन है तो उसमें 2.5 मेरे होते हैं ना। खिलौना लेकर आना लेकर जाना वो सब मैं ही देखता हूँ ना। सब जानता हूँ पर पैसा नहीं है। अरे हमारी भी कोई इज्जत है यार। पैसे दे, मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहा है? अपना मुंह बंद कर समझा। चश्मा लगा के इसे दिख जाएगा क्या? ए लड़की वहाँ पर है बुढ़ऊ, ये विजिटिंग कार्ड है, चलो जाओ जाओ जाओ। जवानी बीत गई, बुढ़ापे में रंगीनी सूझ रही है। हाँ भाई सब लोग इधर ध्यान दो, इस लड़की का जबरदस्त डांस देखकर हम 200 रुपए। ये क्या है, दिखता नहीं है क्या? 200 रुपए बोल के 100 रुपए दे रहे हो? ए, मैंने क्या बोला था, हम 200 रुपए दे रहे हैं, तेरे लिए 100 रुपए ही ज्यादा है, वही लगा देता हूँ। अरे अरे क्या कर रहा है यार तू, सब लोग देख रहे हैं ना। ए, रुको, तुम दोनों के खेलने के लिए मैं कोई मैदान हूँ, तुम लगाओ या फिर किसी दूसरे को लगाने दो। हाँ यार दूसरे के आने से पहले ही लगा देता हूँ। मैं तू लगाएगा तो कहीं और लग जाएगा, समझा? चलो जा जा इधर जा, चल चल जा जा निकल। जाने दो बच्चे को, जाने दो जाने दो। देखो वो क्या किया, अरे क्या कर रहा है? सॉरी यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तुझे बोल दिया ना फिर क्यों बर्बाद करा, चल हम अपना डांस बाद में करेंगे, सीधा अड्डे पे आ जाना ठीक है ना। अरे मेरे डांस पैसे 20 रुपए मिले। हमारी डांस की तारीफ करके खिलौने बेचने वाले पांडे ने अपनी खुशी से 2000 रुपए दिए। आप और आपकी बीवी बच्चे 100 साल तक जिए, भगवान से दुआ करते पैसे नहीं है बोल करके पूरे 2000 रुपए भी देकर आ गया। ए, तू मेरे साथ ही था ना, मैंने कब पैसे दिए? फिर वो लड़की ऐसा क्यों बोल रही है? वो तो मुझे ही नहीं पता, चल जाकर पूछते। मैंने कब पैसे दिए? तुमने मेरा नाम क्यों लिया? ओह मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, वो देखो उस नीली ड्रेस वाली लड़की ने बोलने को बोला है, उसी ने पैसे दिए हैं। ये तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? मेरा परिवार ही नहीं तो बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? तुम्हारा परिवार है। अरे शादी तक नहीं हुई, परिवार कहाँ से आएगा? तुम्हारी शादी हुए 3 दिन हो गए। हे भाई शादी किए हुए 3 दिन हो गए, शगुन वगुन के पैसे वैसे कहाँ है भाई? अरे उसे छोड़ो, बीवी दिखाओ कौन है। देख मैं ही हूँ। पागल हो क्या? ए, देखो हम मेले में काम करने के लिए आते हैं और तुम मेले में घूमने के लिए आती हो, तो एक बात याद रखना, हम दोनों की कभी नहीं पटने वाली। बाय। ए चलना। ए, तो खुद को उसकी बीवी बोल रही है और वो देख क्या बोलकर जा रहा है, भाग कर कहाँ जाएगा, देख लूंगी। क्या बोल रहा है पता नहीं है तुझे, किससे क्या बोल रहा है? क्यों मार रहा है? क्या 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 इसने? इसने क्या क्या है तुम्हें पूछ लो इससे। ये क्यों मार रहा है तुझे? ये बेल मांग रहे थे तो दिया ना। हाँ दिया ना। तूने खाया? हाँ खा के मजा भी लिया। इस बेचारे को क्यों मार रहा है? है वही तो बोल रहा हूँ, इससे पूछ। ए, बताना क्यों मारा? भेल के पैसे मांगे। तुझमें अकल नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? तूने उसकी भेल मजे ले लेके खाया ना, तो वो अपने पैसे मांग रहा तो दे क्यों नहीं रहा? तेरे अंदर मान सम्मान कुछ है या नहीं है? मान सम्मान पे मत जाना, मेरी भी कुछ इज्जत है। हाँ? मोहल्ले के लोग मेरी पूजा करते हैं, मैंने मांग कर खा लिया तो क्या गलत किया? मांग कर? इसने कैसे मांगे थे पूछ इससे। कैसे मांगा था तूने? पैसे दे, भेल के पैसे मांगते, पैसे पैसे मांगते, पैसे पैसे मांगते, 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 पैसे मांगते,
देख मैं तुझे समझाता हूँ। समझाइए। हे भगवान कैसे समझाऊं इसे, रुको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे ये खजूर है, हाँ खजूर है, तू इसे खाएगा तो इसके पैसे मांगेगा। हाँ। अब जैसे ये हलवा है, हाँ। हलवा खाया तो इसके पैसे दो। अब ये है काजू, हाँ। काजू खाओगे तो इसके पैसे दो। हाँ। वैसे ही ये है भेल, अब भेल खाओगे तो वो भेल के ही पैसे मांगेगा ना। अबे बुड्ढे अब तू मुझे दुकानदारी सिखाएगा? ऐसे क्या भूल रहे, ऐसे क्या भूल रहे, सर में भेल भर दूंगा समझा। दो लोगों की लड़ाई के बीच में कूद के चला आता है अपना फैसला सुनाने। पंचायत का बहुत शौक है क्या, दोबारा आएगा? चुपचाप निकल जा नहीं तो आंखें निकाल दूंगा तेरी। अभी भी अपना काम होता नहीं है, दूसरे के काम में टांग अड़ाने चले आते हैं। क्या देख रहा है, तुझे ही हम दोनों को मिलवाना होगा। मैं उसका दोस्त हूँ, कोई ब्रोकर वोकर नहीं हूँ मैं। वो मुझे कुछ नहीं पता, पर तुझे ही मेरी सिफारिश करनी होगी। सुनो मेरी बात उसके भेजे में बिल्कुल नहीं घुसती। तो फिर अपने कपड़े दे दो। क्यों, सर यहाँ नंगा करना चाहती हो? नहीं, हॉल का खरीदने के लिए। मेरे कपड़े इतने खराब है, कपड़ों पे गुस्सा किस लिए? सूरत से खरीद कर लेकर आया था, तुम्हें पता है ना वहाँ कपड़े बनते हैं। ब्रांडेड है बिल्कुल, 450 रुपए में। कितना? 450, 450 रुपए। पूरे 2000 हैं। 2000 रुपए, इसमें तो दो पैंट शर्ट आ जाएगी, शाम की बोतल भी आ जाएगी। अरे एक सेकंड, लाओ दो पैंट शर्ट चाहिए ना, अभी उतार के देता हूँ। अब कहीं और जाकर उतार। हेलो हेलो, देख रहे हैं अंदर की पैकिंग डाक खाने वाली है, खुलेगी नहीं। हाँ बस जरा पीछे घूम जाओ ऐसे ही। हाँ चलो जाओ। अरे सुनो, मेरे 2000 मैंने जेब में रख दिए थे। बड़ी चालू हो, कपड़े और पैसे दोनों ले जा रही हो। ए, इतनी जल्दी सो गया? मैंने सोचा दारू पियेंगे, मैं तो इंतजार कर रहा था। चल छोड़, कल पियेंगे, वैसे भी अब मूड नहीं। ए, याद है वो लड़की आज मुझसे क्या कह रही थी? मैं उसका पति हूँ और वो खुद को मेरी पत्नी मानती है। सुनना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर चल क्या रहा है, लेकिन एक बात कहूँ, वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ, सपना देखा? अरे बाप रे, तुम अभी भी कुछ बोल रहे हो? जैसा कोई बोलो ना, बोलो ना प्लीज। हाँ? तुम मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे, यहाँ क्या कर रही हो प्लीज? चल निकल बा। नहीं पहले तुम मुझे बोलो, और तू अभी क्यों आया? तुझे मैंने 2000 रुपए दिए थे ना। हाँ गलत टाइम पे आ गया। उठो पहले, बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ बाहर, किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। मुझे उसकी चिंता नहीं है, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या कहने वाले थे। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, तुम अभी बाहर जाओ। मैं नहीं जाऊँगा, पहले जाओ। बहुत बड़ी पगली है तुम, मुझसे ड्रेस इसीलिए मांगा था क्या तुमने? हाँ ए उधर देख, चेयरमैन की बेटी। भाई अंदर कुछ रंगोली तो नहीं खेली ना? ये अंदर कैसे आई? मुझे 2000 रुपए दिए थे तो मैंने अपनी ड्रेस उससे दे दी, फिर मैं दारू पीने चला गया। उसे तो अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। बेवकूफ, ये शर्मनाक बात है, कल उसके बाप को पता चला तो जानते हो क्या होगा? सारे खिलौने पैक करके भेज देना। हाँ भेज दिया, वो चश्मे वाले रामू को जानते हो ना? हाँ। उसी की गाड़ी में सब लोड कर दिया मैंने, बिना टेंशन के सब पहुंच जाएंगे, सब सही से हो जाए बस। क्या हुआ? ये क्या हो गया यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से एक जान चली गई। क्या बेटा, तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ, जानते हैं। घर वालों से लड़कर एक खिलौने वाले के साथ भाग गई। इसके बाप ने वो हमारे लिए मर गई करके श्रद्धांजलि के पोस्टर लगा दिए। एक ही बेटी थी, अपने खानदान के साथ साथ पूरे गांव की नाक कटवा दी। ऐसा कोई करता है भला? आजकल के बच्चों को समझना मुश्किल है।
यार थोड़ी देर के लिए तो मेरी सांसें ही थम गई थी। ए पांडे, वो ये बात जानती है ना कि हम गांव गांव जाकर के खिलौने बेचते हैं? वो हमें पक्का मेले में ही तलाश कर रही होगी। तुम सही कह रहे हो, कल भी एक मेला होने वाला है, मुझे लगता है वो वहां जरूर आएगी, हमें वहां जाना चाहिए। हाँ। दूध का कलश लेकर आए लोग 6 कलश को यहीं पर छोड़ गए हैं। कलश के हकदार यहां आकर अपनी निशानी बताकर कलश लेकर जाएं। मंदिर के आदेश अनुसार बोल रहा हूं, जो लोग ये भूल कर चले गए हों, मैं उनसे यहां आने की विनती करता हूं। कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप लोग ये क्या बात है? मेरा नाम नदिया है। मैं सरस गांव से आई हूँ। हाँ। खिलौने बेचने वाले पांडे की तलाश कर रही हूँ, वो जानवरों के खिलौने बेचता है, आप उसका नाम अनाउंस करेंगे प्लीज? ठीक है। मेले में आए सभी लोगों के लिए एक सूचना, सरस गांव से नदिया आई हैं और खिलौने बेचने वाले पांडे को तलाश कर रही हैं। खिलौने बेचने वाले पांडे जहाँ कहीं भी मेले में हो वो सूचना कैंप पर आ जाए। अरे बेटी तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं बेटी, अच्छे समय पर रोना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए एक बार और अनाउंसमेंट करता हूँ, खिलौने बेचने वाले पांडे कहाँ पर हो तुम? एक सुंदर लड़की को रुलाओ मत, जहाँ कहीं पर हो सूचना कैंप पर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हे, कौन हो तुम? भेल बेचने वाला। भेल बेचने वाला? हाँ। तुम्हारा यहाँ क्या काम? आप ही ने कहा था कि एक सुंदर सी लड़की है, इसलिए उसको देखने चला आया। Hey, एक हाथ दिया ना तो अपनी भेल बेचना भूल जाएगा। और तुम कौन हो? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी नदिया था, मेरी मिसेस होने वाली थी, जस्ट मिस हो गई। अच्छा हुआ मिस हो गई, वरना वही भाग जाती। जाओ यहाँ से। चलो, 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 यार मैं क्या करना है? अरे बेटी मैंने तुम्हारे लिए ही 2 बार अनाउंस किया, तुम्हारे पांडे के अलावा बाकी सब आ रहे हैं। हाँ, दिन में ना आने वाले रात तक तो आ ही जाएगा। अरे बेटी काली माता है ना, उनसे विनती करो, उन पर भरोसा रखो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटी? अरे मारी, कितनी देर से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? जब देखो नशे में रहता है, गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, तुझे दारू पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? अपनी हालत देख जरा। ठीक है, क्या बोतल पकड़ा गया? अरे आजकल ये बोतल का ढक्कन इतना टाइट क्यों बंद करते हैं? लगता है अनाउंसमेंट तो नहीं हो पाएगा। अब ये सर है ना, हेलो हेलो सर, ये बोतल खुल नहीं रही है, जरा खोल दो ना। खोल दे भाई। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या किस्मत है। अरे ये बोतल नहीं माइक है भाई। अरे मैं जानता हूँ ये मॉनिटर की दारू है। ये तो बहुत बड़ा वाला बेवड़ा लग रहा है। ए, केवड़े का पानी यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो बाहर मिलेगा। देखो भाई एक अनाउंसमेंट करना है। अकाउंट ठीक करवाने तो मुंशी के पास जाओ ना। क्या अकाउंट बोल रही है? ओ अनाउंसमेंट करना है क्या? तो ठीक से बोलो ना, पी रखी है क्या तुमने? यार ये किस तरह का आदमी है, हम जो बोल रहे हैं उसका उल्टा बोल रहा है। चिंता मत करो, इसका मीटर मुझे समझ में आ गया क्या है, अब इसके तरीके से बात करता हूँ देखना। भाई साहब हमारी जान पहचान का एक लड़का खो गया है। ओ, अच्छा लड़की खो गई क्या? हाँ भैया। हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नित्या बोल। नित्या। अच्छा नदिया है। हाँ भैया देखा। हाँ भैया। हाँ अब देखो, अब देखो अभी करता हूँ। हाँ जरा कर दीजिए। अरे अनाउंसमेंट करना ना, अभी करता हूँ। बुढ़ाऊ ऐसे मुंह में डालेगा तो शॉक लग जाएगा तुझे। माइक इधर है। ये तो मुझसे भी एक कदम आ गया है। हाँ अब बोलो, अब जरा अनाउंसमेंट कर दो भाई। वाटर हाथ बोतल। मैं जो कह रहा था वो ये कि तुम जा रही हो। अब इससे ज्यादा गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। ए भाई जरा फोटो देखो। सुनो ये लड़की देखिए। लड़की तो बड़ी सुंदर है यार, क्या बात है। ये बार बार ऊपर नीचे क्यों देख रहा है? इस फोटो की लड़की और वो सामने वाली एक ही तो लड़की है। ए, ये कुछ भी बोल रहा है।
ये नशे के चक्कर में पावर बढ़ गई या मैं सपना देख रहा हूँ? समझ में नहीं आता तो छोड़ना, बेवड़ा कहीं का, चल जा। मुझे जाने को बोल रहा तू? हाँ तो फिर कौन जाए? मेरे गांव में आके मुझे भगा रहा है? तुझे ही बोल रहा हूँ बड़ाऊ। क्वार्टर मिलेगा, आधा भी मिलेगा। गाना चल रहा है लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दुनिया में लगता है सब अंधे हो गए। भैया, यहाँ जो खिलौने की दुकान लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? क्या बस? बस मेले में नहीं आती, वो बाईपास से जाती है। नहीं भैया, वो जानवरों के खिलौने बेचते हैं, उनकी दुकान कहाँ पर है? अच्छा, बैलगाड़ी। अब मेले में कौन बैलगाड़ी लेके आता है, वो पुराने जमाने की बात थी। भैया, ये जो खिलौने की दुकान लगाते हैं ना, वो कहाँ पर लगाते हैं? बोल रही है वो दिख तो रहा है लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बेटी, बहरे से बात कर रही हो? क्या हुआ, जिसे तलाश कर रही थी वो मिला नहीं? नहीं भैया। आज ये मेला खत्म होने जा रहा है, कल तागम तीर्थापुरम गांव में मेला है, वो बहुत बड़ा मेला है, वहाँ सब जगह से लोग आएंगे, तुम वहाँ जाकर देखो, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। भैया कौन सा गाँव है वो? तागम तीर्थापुरम। सत्यानाश हो इनका, अब मैं क्या करूंगी, अब क्या कमाएंगे, अब क्या खाएंगे। कोयल बेहोश हो गई और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो? अरे जाओ जाकर सोडा लेकर आओ। पैसे नहीं है। अरे मैजिक माइनर का नाम बोल दो। मैजिक माइनर का नाम लेते ही पैसे मांगने लगते हैं। अरे सब एक एक रुपया चंदा मांगोगे तो भी आ जाएगा। चलो भाई, इसके लिए भी चंदा मांगना। ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। ये लो भाई। ढक्कन किसने खोला? मैंने ही खोल दिया है। मुझे खोलना था, मेरा काम तूने क्यों कर डाला? चला दे थोड़ा थोड़ा सा। जा जा। क्या कौन है आप? माइनर मैजिक। वो तो ठीक है, पर नाम क्या है? मेरा नाम ही मैजिक है, मैजिक माइनर। जहाँ भी मैं हूँ वहाँ लोग उदास नहीं होते, मैं दूसरों की आंखों में आंसू नहीं आने देता, सब लोग खुश रहते हैं, दैट इज मैजिक। आप कौन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नदिया है। हा? मैं मेला देखने आई। नदिया? आ, जैसे किसी बियर का नाम हो वैसा है आपका नाम। अरे माइनर, वहाँ तुमको पंचायत में बुला रहे हैं। क्यों, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सोडा मारा है। माइनर, आप ही तो पंचायत का फैसला करते हैं ना, तो चलो। हाँ मैं ही तो पंचायत का अध्यक्ष हूँ, मैं पंचायत का अध्यक्ष हूँ। चलो मैं फैसला करके जल्दी से आता हूँ। सुनो, गांव में जातिवाद फैल रहा है, इस समय मेले का आयोजन किया तो हर बार की तरह प्यार से तिलक लगाने की बजाय लोग एक दूसरे का खून बहाकर तिलक लगाएंगे, इसलिए इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा, ये मैजिक माइनर का फैसला है। माइनर के कहने पर ही मेले का आयोजन होगा? माइनर एक मिनट। हाँ? नदिया तुम यहाँ कैसे? कोई बात नहीं, कुछ बोल रही थी तुम। अगर आप चाहें तो खून ना बहाकर भी इस मेले का आयोजन किया जा सकता है। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो ऐसा कह रही हो? आपकी नाक देखकर। विश्वास तो आंखों में देखकर होता है, नाक में देखकर कैसे हो गया? खैर जैसे भी हुआ हो, हुआ तो सही। पंचायत आपके नाक के लिए है, हमारे मेले के लिए। माय नाक, सर तो फूटा हुआ है, नाक भी फोड़ दूंगा। ए, ना समझ आ, सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों की तो। सुनो, मैंने फैसला बदल लिया है, तुम लोग गलत बोल रहे हो, माइनर ऐसा बोल ही नहीं सकता। मुंह बंद करके क्या खड़े हो? जी भाई। माता इस सुंदर लड़की के रूप में आकर इस नाक के रास्ते,
छी, नाक के रास्ते नहीं जुबान पर आकर फैसला बदल दिया है, इसलिए मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस बुलाते हैं। इंसान जरूरी है या भगवान जरूरी है? बहुत सोचने पर मैंने फैसला लिया, भगवान जरूरी और मेला होगा। पोस्टर लगाओ, माइनर के नाम का पोस्टर लगाओ। फिर तो आसपास के गांव में भी लगाएंगे ना? तुम कहो तो पाकिस्तान के बॉर्डर तक लगवा दूं। ओए, कौन है जो मेरे नेता के पोस्टर पर दूसरा पोस्टर लगा रहा है? इन लोगों की हरकत से लगता है कि ये मेला हो नहीं पाएगा। देखते नहीं इन पर बाबा आए हुए हैं और तुम लोग लड़ रहे हो। बाबा, बाबा आपकी इच्छा क्या है बताइए। किसने बोला कि मेले को रोकना है? किसने बोला मेले को रोकना बाबा है? इस मोटे ने बोला बाबा जी। अरे नहीं बाबा, बाबा इसे जितनी सजा देनी है दे दीजिए। नहीं बाबा, बाबा भैरव के मेले को रोकने आया है तू? हिम्मत नहीं बाबा। तू क्या समझता है, तू बोलेगा तो बाबा भैरव अपना मेला रोकेगा? ये कभी नहीं होगा। बाबा आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। बाबा आप आदेश दीजिए, आप ये राख लीजिए और इसके चेहरे पर मारिए। बाबा राख उसके चेहरे पर मारने के लिए बोला, इसने मेरे चेहरे पर ही मार दिया। मेला नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, बाबा का आदेश है, मेला नहीं रुकेगा। अच्छे से कर वरना फेल हो जाएंगे। सब लोग बेवकूफ बन गए हैं। मैं इस कार्यक्रम को चालू रखता हूँ, तो जाके चुपचाप उस लड़की को ढूंढ। चा, 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 निकल जा, निकल जा। चुम, चुम, से। बाबा, 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 आप कौन है बाबा? आप हमारे गांव क्यों आए बाबा? बाबा बोलिए बाबा, आपकी क्या इच्छा है बोलिए बाबा। वो मेरा छोटा भाई भैरव, मैं बड़ा भाई मुनि बाबा। ओ ब्रदर, वेलकम ब्रदर। ब्रदर आप यहाँ 25 साल बाद आए हो। 25 साल में उतार लेता हूँ, बुरों के साथ बुरा हूँ और अच्छों के साथ दयावान हूँ। मुनि बाबा, आशीर्वाद दो बाबा, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। अपना मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलो, ये रहा आशीर्वाद। इधर आओ, इधर आओ, ये रहा नारियल, अब इसका आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ। ये लो आशीर्वाद। लगता है गलत पंगा हो गया, नारियल के साथ साथ इसका सर भी फूट गया। अब क्या करूँ, चुपचाप यहाँ से निकल लूँ वरना ये सब मुझे फोड़ डालेंगे। बाबा का शर्ट ऐसे नहीं पकड़ते बच्चा। मुनीश्वर बाबा, बोलो भक्त। आपके भक्त आपके लिए कुछ करना चाहते हैं बाबा। कुछ सोचा है आपके लिए? सोच कर आए थे। ये चेन है बच्चा। इससे भी बड़ी है, दे आपको। लाओ बड़ी वाली चेन लाओ। क्यों बे, मेरे मुंह में जलता कपूर डाला, सर पे नारियल फोड़ रहा है? ढूंढू कहाँ मैं ढूंढू कहाँ, तू जाने कहाँ गया किस ओर रे। तेरा पता मैं पूछूं किससे, तू है गया यारा जिस ओर रे। कोई ना जाने तू किसे, तू है गया यारा जिस ओर रे। सुनो ये कहाँ से खरीदा? अफसाने कोई माने ना माने,
किसको पता प्यार किया या फिर पता। आइए आइए आइए, देखिए एक से बढ़कर एक साड़ी, तमन्ना की साड़ी, अनुष्का की साड़ी, हर तरह की साड़ी। आइए आइए बहन आइए, हर समय पहनने वाली एक के साथ एक फ्री फ्री फ्री। आइए 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 आइए, और आप लोग तमन। क्या हुआ बहन? पीजिए ना, आइए भैया जी आइए आइए। देखिए ये हिरन है, देखिए हिरन कैसे नाचता है। और ये हाथी वाला खिलौना है, पता है हाथी कैसे शोर मचाता है। आइए भैया जी आइए, देखिए हर तरह के खिलौने हैं मेरे पास, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आइए भैया जी आइए, मेरे दोस्तों के दोस्त, मेरी बहनों के भाइयों, आइए देखिए मेरे पास कितने सारे खिलौने हैं। आइए भैया जी आइए, देखिए हाथी कैसे शोर मचाता है, ये हिरन कैसे नाचता है। देखिए आइए, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। आइए माँ जी आइए, देखिए ये शेर कैसे दहाड़ता है, देखिए ये हिरन कैसे नाचता है, देखिए ये हाथी कैसे शोर मचाता है। आइए भैया जी आइए आइए, देखिए देखिए ये हाथी वाला खिलौना है, कैसे शोर मचाता है, हिरन कैसे नाचता है। पांडे, ऐसा क्या हो गया है? एक लड़की होकर तुम अपना घर छोड़कर इस तरह आवारों की तरह घूम रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ए चल। रुको, मैं यहाँ नहीं आई, तुम्हारी सांसें मुझे यहाँ लेकर आई हैं। जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ रहने से अच्छा है जिसे पसंद करती हूँ उसके लिए जान दे दूँ। अब ऐसे घुट घुट कर जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं है पांडे। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक या तो हम यहाँ से भाग चले, और दूसरा तुम अभी मुझे मंगलसूत्र पहना दो। देख क्या रहे हो, इतना सब होने के बाद भी अगर तुमने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं ना, तो तुम्हें मारकर मैं खुद भी मर जाऊंगी। ए, चल ना। कहां पर? खिलौने बेचने, तू सिर्फ वही तो कर सकता है। गांव गांव जाकर के तू खिलौने बेचता है ये बात जानते हुए भी ये तेरे पीछे पीछे आ रही है, और तू है कि इसके मन को नहीं समझ पा रहा। खिलौने बेच बेच कर तेरा दिल भी खिलौने का हो गया है, चल जा। मेरी फीलिंग समझने के लिए अरे ये क्या कर रही हो? ए, देखना ये एक बड़े घर की लड़की है, ये तुझसे प्यार करने लगी है, तू समझता क्यों नहीं है? अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ यार, ये बड़े घर की लड़की है, हमारे साथ लाइफ कैसे जी पाएगी? जितना प्यार ये मुझसे करती है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं करता हूँ। इसीलिए अगर मैं इससे दूर रहूंगा तू ही अच्छी लाइफ जी पाएगी। ओए, दूर जाने का मतलब कोई प्यार थोड़ी होता है, ये तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई है वो प्यार है, तुझे ये सब दिखता नहीं है क्या? इसके पापा ने पोस्टर लगा दिया कि ये मर चुकी है, उसके बाद ये क्या करेगी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तू सोचना क्या होगा इसकी जिंदगी का। ए, तू इसे लेकर जा और जितनी जल्दी हो सके शहर जाकर तू इसे शादी कर ले, यहाँ के लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जा उतना ही अच्छा है, अगर बाद में कुछ होता है तो वो हम देख लेंगे। सोच क्या रहा है, यही सही समय है। उस दिन मैं और वो साथ में आए थे, साथ आया और फिर छोड़कर चला गया, यहाँ की होती तो कैसे भी पता कर लेती, और मेरे घर में तो मुझे मरा हुआ समझकर उन्होंने मेरा क्रियाकर्म भी कर दिया है, इसलिए कोई रास्ता नहीं बचा तो मरने चली आई। हाँ तो क्या हो गया, मरने से सब ठीक हो जाएगा क्या? जिंदा रहकर सब ठीक करो। खैर छोड़ो, जल्दबाजी में कोई फैसले मत लो, कल शांति से सोचना। मैं यहीं पास में रहता हूँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो, और कल मैं तुम्हारे साथ पांडे को ढूंढने आऊंगा। पर मेरी वजह से आपको दिक्कत होगी तो? मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तुम आ सकती हो मेरे साथ, चलो। लाओ। नहीं, रहने दीजिए। चलो। राधा राधा। हे हे, मैं बादशाह हूँ, तू एंटनी, झगड़ा तेरे मेरे बीच का है, यहाँ तू तू रहे या फिर मैं रहूं, मेरा रास्ता आखिर अलग है।
वैसे भी अब तेरा वक्त बहुत जल्द खत्म होने वाला है राधा। हेलो, क्या हो गया आपको? क्या क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठो ना। वो आप नींद में बड़बड़ा रहे थे, आपको फिल्मी बुखार है क्या? उसे था फिल्म का बुखार और मैं क्रिकेट का दीवाना। हाँ क्या कहा, मैं कुछ समझी नहीं। उसका नाम था राधा, सुंदरता की देवी, मैं खेल का खिलाड़ी। इंडिया वर्ल्ड कप जीते उसके लिए वो कितने व्रत रखती थी, भगवान की पूजा करती थी, और एक दिन हमने सारी हदें पार कर। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3। वर्ल्ड कप होने की खुशी में कैप्टन धोनी फैंस क्लब की तरफ से धोनी के फैंस ने बॉल के कलश को सर पे उठा लिया है। धोनी फैंस क्लब के लीडर है धोनी कुमार, बॉल कलश को उठाने आ रहे हैं, तेजी से आंधी की तरह चले आ रहे हैं, अपने धोनी बॉल के कलश को उठाने के लिए आ रहे हैं। आ गया हमारा हीरो फेको बॉल। इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग, हमारा इंडिया, इंडिया का धोनी। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कलश लेकर जा रहे हो, ये तो ठीक है, क्या इसमें दूध है? ये देखो, ये दूध है तो क्या? क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है ये? बेकार में मुझे क्यों बुरा बना रहा है, मैं तो बॉल ही इसे दिखा रहा हूँ ना। इसे बाहर मत निकाल, बेकार में कोई आउट हो जाएगा। तू तमीज से बात करने से नहीं समझेगा। ए कलवे, तू अपने स्टाइल में समझा। ए नशेड़ी, जरा तुझे मैं समझा। चलो 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 चलो। पड़ोसी देश पाक है, इंडिया से वीक है, दे धनाधन कर दे हमारा धोनी लगा दे, दे धनाधन कर दे हमारा धोनी लगा दे, इंडिया टीम लाजवाब है, जब जब चले धोनी का बल्ला धोनी बचा देता है अल्लाह, जब जब चले धोनी का बल्ला धोनी बचा देता है अल्लाह। चलो चलो सब यार, आराम से आराम। तो सभी लोग आ गए, पूजा शुरू करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि तुमने चाहा था, विंध्या जीत जाएगी। पंडित जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंडित जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रे 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 रे, मेरी मुर्दाबाद क्यों कर रहे हो? तुमने तो सोचा था ना कि इंडिया जीत जाएगी तो जीतेगी। ए सारे लोग आ गए ना, ए चल शुरू करना, जल्दी कर। ए भाई थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। करेक्ट कर रहा है। कौन है बे? अरे इतनी जल्दी क्या, थोड़ा इंतजार करो, रुक जाओ भाई। ओ ये लाइव है, तेरा इंतजार नहीं कर सकते। ओए एक वीआईपी का आना बाकी है। ए मुझसे ज्यादा वीआईपी कौन है यहाँ पर? अरे वो आएगा तो पता चलेगा ना। अबे वो दारू की बोतल को वीआईपी बता रहा है। ए चुपचाप बैठ जा। ए जल्दी कर, मैच चालू कर। अरे बेटा कब से विज्ञापन ही चालू है, फिल्म कब शुरू होगी? ओ चाची बैठो ना। क्या चाची, इतना अच्छा मैच चल रहा है, ये जाना इनको बैठा। इनकी कोई गलती नहीं, आजकल क्रिकेट में बहुत ज्यादा विज्ञापन दिखाते। अरे अम्मा तुम क्यों बार बार खड़ी हो जाती हो, बैठो ना। अरे पता नहीं बहू ने सास के साथ क्या किया होगा। क्या बात है, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। 6, अब देखना अगली बॉल में 4 मारेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। ओ, अरे यार, ओ ये क्या कर रहा है? अरे यार कौन है,
किसने मेरे भाई के बॉल को पकड़ लिया? किसने कैच पकड़ा? बताओ मुझे। अगर एक बाप की औलाद है तो मेरे सामने आ। ए, ए, अरे मैं बोले जा रहा हूँ और तू जा रहा। नहीं सुनाई देगी। अबे। अरे सन, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। अपना काम धंधा छोड़कर अपनी पत्नी के साथ टीवी पर मैच देखने बैठा हूँ और तू आउट होकर आराम से चले जा रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। बुला इसे यहाँ। चुप। अबे अरे उसे जाने देना। अब धोनी आ रहा है ना। आप कुछ ज्यादा ही दुखी हो गए। ये लो इसे पीकर ठंडे हो जाओ। जैसे हमें तो पता ही नहीं था। अब जाओ वहाँ जाके बैठ। बस यही एक बियर बची थी, दुकान भी बंद हो चुकी है। अब दोबारा से क्वार्टर या हाफ के लिए हंगामा किया तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप पी और मैच देखने दे। देखा देखा ना सिक्स मारा। ये क्या भाई, बड़ी अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। मुझे तो नहीं सुनाई दे रही है। लगता है आवाज वहाँ से आ रही है। क्या चल रहा है वहाँ? ये लाइट किसने जलाई? यहाँ क्या हो रहा है? मैच चल रहा है। मैच तो वहाँ चल रहा है। यहाँ हम दोनों का मैच चल रहा है। किसी और की बीवी के साथ मैच देखते शर्म नहीं आती? अब कल आई, इतनी देर से तो तुम भी मजे ले रही थी। चुप करो। मैं खुद अपने भगोड़े पति को ढूंढ रही हूँ कब से, और तू मुझे भगाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभी बताती हूँ तुझे। अरे अरे चुप 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 चुप। जब तू अकेली होती तो कोऑपरेट करती है, और जब चार लोगों को देख लेती तो नखरे करती है, महाकाली बन जाती है। अरे भाई वहाँ क्या बात कर रहे हो, लास्ट बॉल है, अगर इंडिया ने सिक्स मारा तो जीत जाएगी। घोषणा, अपने सुपरस्टार के जन्मदिन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप भी सभी से जितना इंतजार कर रहे हैं, हमारी प्यारी बहन, आप सभी की चहेते इस गांव की प्यारी रजनी फैंस क्लब की नायिका रजनी राधा अब आपके सामने आ रही है, आ रही है, आ रही है। माय बादशाह, तू एंटोन, झगड़ा तेरे मेरे बीच का है, या तू रहे या फिर मैं रहूं। भाई तुम दोनों में इतनी खटास क्यों है? पिछली बार के झगड़े को ध्यान में रखकर उससे ही लंबा खींच रही है। चल इसे टपका ही देते हैं। मेरा रास्ता फिर अलग है, वैसे भी तेरा वक्त अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अरे भाई तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। गांव वालों, अपने हीरो के जन्मदिन के कार्यक्रम में सोने जैसे दिल वाले अपने गांव के भोले भाले प्यारे और मासूम लोगों का हमारा रजनी फैंस क्लब स्वागत करता है। भाई
बैट पकड़े कई महीने हो गए, आज तो बैटिंग ही लेंगे। तुम लोगों ने अपना बिग बॉस वाला काम शुरू कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ओपनिंग कौन कर रहा है? मैं करूंगा, मैं। तू पहले से खेल रहा था ना, चल पीछे। अरे भाई भाई, मैं बैटिंग करूंगा। हाँ ठीक है, तू जाके ग्लव्स पहन। ओके भाई। ए, कीपिंग ग्लव्स। अबे जाके कीपिंग कर, अबे जाके बॉल पकड़ने का काम कर। अब देख भांजे, मेरी बात मान ले, आज मुझे दे देना। लेकिन क्या? बस बैट पकड़ कर देख लूंगा भांजे। ठीक है ये लो, पकड़ लिया ना, अब दे। ये क्या? अरे जाओ ना मामा, बाद में खेल लेना, जाओ जाओ अंपायर बनो। हाँ, ए तुम्हें सब पता है ना? हाँ सर, हमें पता है क्या करना है, हमें फील्डिंग करनी है। चल। ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दाल में जरूर कुछ काला होगा। ए, मैंने कैसे भी करके उन्हें फील्डिंग पे भेज दिया, अब तो मैं फर्स्ट हूँ ना। तू ही फर्स्ट है बॉलिंग में। दो महीने से बस बॉलिंग ही तो कर रहा हूँ। हाँ तो बड़ा बॉलर बनेगा ना। यहाँ क्या कर रहा है? कैच पकड़ रहा। अच्छा, ऐसे पकड़ो तो ही कैच होगा क्या? ऐसे भी तो पकड़ सकता हूँ। तो मुंह से भी पकड़ सकता है। अरे बॉल कब तक घिसेगा? बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, कम ऑन। क्या हुआ? वो रेडी नहीं है। रेडी 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 रेडी, बॉलिंग बॉलिंग। अब क्या हुआ? अरे भाई मैं रेडी नहीं हूँ। अंपायर किस बात के लिए रेडी होगा? चुपचाप खड़े रहो। देखो बार बार ऐसे हाथ दिखा रहा है जैसे ऑटो रोक रहा हो। रेडी रेडी रेडी, बॉल फेंक बॉल फेंक, जाने मत देना। मम्मी, मारा तो सही पर आवाज नहीं आई। कहीं बॉल गांव के बाहर तो नहीं चली गई? क्या देख रहे हो तुम लोग, बॉल तो अभी मैंने फेंकी ही नहीं। फेंकी ही नहीं, प्रैक्टिस कर रहा था। चल बॉलिंग कर, रेडी हो जा। क्या हुआ तुम्हें, टी शर्ट उतारनी है क्या? कम ऑन कम ऑन। ए तू खुद को टाइटैनिक का हीरो समझ रहा है? बैटिंग नहीं थी तो बदला ले रहा है। ए तू यहाँ अंपायरिंग कर। ए जल्दी बॉल फेंकना तो। ए तू हाथ मत दिखाना, हाथ बांध, नहीं जेब में डाल। हाँ ए, कंचे खेल रहा है क्या? जमीन पे लुढ़का रहा है, अच्छे से खेलना। ए कैप्टन मैं हूँ और तू मुझे ही सिखा रहा है? हाँ जैसे तू मेरे कहने पे घुमा के मार देगा ना। इनके साथ क्रिकेट खेलता रहा तो समझो मैं सीख गया। जल्दी बॉल डालना यार, इन दोनों का ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी मैच खत्म हो जाएगा। ये क्या किया तूने, पंचायत का बल्ब फोड़ दिया? तू घुमा के मत मार यार, नीचे से ही खेल। ठीक है, क्या कर रही है? पता नहीं अब किसका बल्ब फोड़ेगा। 7:30 खत्म होने के बाद हम अपनी सुहाग रात अपने घर में ही मनाएंगे। हमारी जिंदगी खुशहाल रहे इसलिए मैं अब भी हनुमान जी की पूजा करके आ रही हूँ। सच पगली, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? बोलो जी। आई कांट बिलीव यू। आज रात को होगी सुहाग रात। उसका फोड़ दिया। आज मैंने बोले हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अबे क्या कर रहा है तू, कभी ऊपर का बल्ब फोड़ देता है कभी नीचे का। आज तो पंचायत में बैंड बजेगी। हाँ तो पंचायत से कौन डरता है? पंचायत से डर नहीं लगता यार, अपने गांव में सरपंच नाम का एक इंसान घूम रहा है ना, उसी से डर लगता है। बेकार में ऐसे धोती उठाकर खड़े क्यों रह रहे हो? तुम ही बताओ सीधे से खड़े रहो, सब लोग समझ जाएंगे। घास मतने लायक बचा क्या है? क्या कर रहे हो? चुप करो, सब चुप हो जाओ। ये क्या हंगामा लगा रखा है? मैं यहाँ सामने बैठा हुआ हूँ फिर भी इसने जानबूझ के थोड़ी मारा होगा। जानबूझ के ही मारा है। कौन है ये? आप भी ना, 10 रुपए के बल्ब के लिए इतनी बड़ी पंचायत बुला ली और इसके जैसे लोग काम छोड़ के आ भी गए। शांत रहो। तोड़ा किसने? किसी बाहर वाले ने तो नहीं? देखो गांव का लड़का माफ कर दे। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे माफ नहीं कर सकते। ये भले ही मामूली बात हो लेकिन वो पावरफुल बात है। पंचायती बल्ब को लगाना होगा, इस टूटे बल्ब का जवाब देना होगा। ये हमारे रजनी फैंस क्लब का फैसला है। ये हिम्मत वाले ने आ गई। ये क्या बोल रही हो तुम? फैसला सरपंच को यानी मुझे देना, तुम क्यों बोल रही हो? देखिए ना, मैंने कह दिया मतलब भगवान का यही फैसला है। मेरा रास्ता अलग रास्ता है। ये तो वन वे में ही जीत गई। क्या सरपंच जी, स्कूल के बच्चों की तरह शांत क्यों बैठे हो? अच्छा स्कूल के टीचर की याद आ गई क्या? अब तो गाना भी याद आ रहा होगा ना। कौन सी टीचर, कौन सा गाना?
अच्छा तो आपको टीचर और गाना कुछ भी नहीं आते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? ए, गाना लगा? अभी लगाता हूँ। अब सुन लो मेरा फैसला। बल्ब तोड़ने के जुर्म में पंचायत में पैसा भरना होगा और यही सरपंच का फैसला है। मेरी जिंदगी में तो अंधेरा ही हो गया है। दोबारा बल्ब कभी नहीं जलेगा। क्या है ये भाई? ए सुन, बचपन में ना तू मेरी कमर पे चूंटी काटता था और मैं एक तरफ जाकर रोती बैठती थी। वही राधा समझा है क्या? मैं राधा हूँ, रजनी राधा। निरुपड़ा निरंगड़ा पापा मुटियमान रखवाइनो। तुम चलाओगी तो धमाका होगा, मैं चलाऊंगा तो चारों ओर धमाके होंगे। आज आज का ये टाइम तू अपने भेजे में लिख ले। आज मैं हार गया लेकिन कल मैं जीतूंगा, और जब मैं जीतूंगा तो इसी पंचायत में तेरे घर का बल्ब तोड़कर मैंने जीत हासिल ना की तो हम अपने क्लब को ही बंद कर देंगे। ये क्या? पहले करके दिखाओ तो जानू। मैं डायलॉग मार रहा था तो बीच में क्यों बोला? पूरा डायलॉग बर्बाद हो गया। अच्छा ये बता, तूने उसके कमर पे चूटी कब काटी? हाँ वही तेरे लिए जरूरी है, जरूरी है, बताना यार, अब बताना यार। आज मंदिर के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य पर एक मीठी मीठी सी खुशखबरी आप लोगों के सामने ये है कि धोनी फैंस क्लब की ओर से दुनिया भर में होने वाले वनडे क्रिकेट मैच अब इस गाँव में होने जा रहे हैं आपके लिए, और इसीलिए आप सभी लोग जमकर इकट्ठे होकर मेरा पूरा साथ देने के लिए भारी तादाद में अपने भाइयों मित्रों को लेकर अपने पड़ोसियों के साथ मेरे साथ चलिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हे, तू लोगों को बुला रहा है या भीख मांग रहा है? क्या? ऐसे बुलाने से कोई नहीं आने वाला, मुझे दे मैं बुलाता हूँ। वो फाड़ने वाले बूढ़े, कपड़े फाड़ने वाले भाई लोग, खड़ी होकर देख रही औरतें लोग, अपने गाँव का नाम ऊँचा करना है तो अपने धोनी को ऊँचा करना होगा। तालियां, तालियां, तालियां। अगर आप लोग हमारा क्रिकेट मैच देखने आएंगे तो आप लोगों को पिज्जा दिया जाएगा। हमें पिज्जा पिज्जा कुछ नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हो? अपडेट लग रहे हो? व्हाट्सएप पे हो क्या? नहीं, ट्विटर में हूँ मैं। हाँ बात तो एक ही है ना, तुम बता ना जाओ। आप सब लोग हमारा मैच देखने आएंगे तो आपको पिज्जा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, सिक्स पैक वालों को ग्रीन टी मिलेगी। तू क्या बिना मतलब का कुछ भी बोले जा रहा है? अबे तभी तो ये आएंगे ना। ऐसा क्या? तो फिर बियर का भी अनाउंसमेंट कर दे। उसके लिए पैसे? ये तेरी चेन है ना, इसी को गिरवी रख लेंगे। एक मिनट पकड़ना सर। दादी ये लो, इसे रख लो। कमीना है तू, ऐसा कौन करता? वो मेरी ही दादी है। हाँ। मेरे पास आई तो सेठ भेज देगा और ये उसे संभाल के घर ले जाए। तू तो सच में कमीना। ठीक है, अब तू आगे संभाल। धोनी के भाई की दिलदारी देखी आपने, बिना सोचे सोने की चेन किसी को दे दी। ऐसा ही होगा अगर आप लोग हमारी मैच देखने आएंगे। बच्चे लोग, तुम लोगों को भी आना है, स्कूल की छुट्टी के लिए बोल देंगे। वो देख, और क्या देख रहे हो, कैसी लगी परफॉर्मेंस? माली होगी है ना? ओ हेलो, एक मिनट, एक नजर यहाँ डालो। उसका एटीट्यूड तो देख। प्यारे गांव वासियों, मंदिर की 25वीं सालगिरह पर रजनी फैंस क्लब की ओर से 14 से 18 साल की उम्र की जवान लड़कियों के होने वाले कबड्डी प्रतियोगिता को देखने आप लोग आइए आइए आइए। 14 से 18 साल की लड़कियां होंगी, कबड्डी देखने में ज्यादा मजा आएगा। अब हम लोग अपना मैच कैंसिल कर देते हैं ना। तू कैसा प्लेयर है? ये सिर्फ मैच नहीं है, जान है। ये भी ना। मेरी बात को हल्के में मत लेना गांव वासियों, हमारे खेल में सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, वीरता होगी, जवानी होगी, जज्बात होंगे और हाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये तो चीटिंग है। इसीलिए हमारा मैच देखने आइए आइए आइए। तू कहाँ जा रहा है यार? 18 साल की लड़कियाँ होंगी, जवानी होगी, जो जज्बात होंगे वही खुल के बता रही है। चल वहीं चलते हैं ना यार। तुम लोग मेरे प्लेयर सुना, ऐसा कैसे कर सकते हो? वहाँ नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज यार, रुक जा रहे हैं यार। जरूर आइएगा यार, सब जा रहे हैं, मुझे भी जाने देना यार। ए जाना। अब
अभी ये हाल है तो मैच वाले दिन इनका क्या हाल होगा? उनके पीछे भाग रहे ऐसा करोगे? अगली बार किया ना तो बहुत मारूंगा। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप आज जो देखने वाले हैं वो रजनी फैंस क्लब की ओर से होने वाली है रंगीन कबड्डी प्रतियोगिता। देखिए देखिए देखिए, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? रजनी फैंस क्लब की नायिका रजनी राधा देखिए चली आ रही है और उनके साथ में है लख लख लवण्या, वायुवेग भावना, मुनार मोना सिंह और चंद्रमुखी चंद्रा। आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी जिसकी बेसब्री से राह देख रहे हैं वीर नायिका रजनी फैंस क्लब की नायिका रजनी राधा विपक्ष टीम का सामना करने आ रही है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। कबड्डी 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 टू पॉइंट्स। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, कबड्डी प्रतियोगिता का आनंद लेते रहिए। ए कौन है वो जो लड़कियों के सामने आ रहा है? सामने चढ़ा उसे। ए मामा, एक मच्छर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भांजे, एक मच्छर और दो कबूतर मैंने देखे। हमेशा तुम मुझसे मार खाते रहते हो। चुपचाप खड़े रहो, बहुत गुस्से में हूँ मैं। अब आ रही है सबसे प्यारी मुनार मोना। कबड्डी 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 कबड्डी। पीले कपड़े वाले बुड्ढे लड़कियों को घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? आ जाएंगी। कबड्डी 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 प्रशासन की तरफ से घोषणा, जवान लड़के एक जगह खड़े न होकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर ही मजा आ रहा है। अंदर आकर संभालिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, खेल की ओर ज्यादा ध्यान दें। प्रतियोगिता अपने पूरे रंग में है। पॉइंट को बटोर रही है रजनी राधा। अरे सिक्सर, वाह क्या सिक्सर मारा यार। अरे बॉल देखो कहाँ जा रही है। जाओ जाओ जल्दी लेकर जाओ। क्या मारा है, क्या शॉट है, क्या शॉट है, मजा आ गया। अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलूं क्या? ए, अपनी बेइज्जती करवानी है क्या? देखा नहीं क्या फेंक रहे वो लोग? हमें भी फेंकनी पड़ेगी तभी कोई बात बनेगी। क्या बात है, कितने लोग आए हैं भाई? नौजवान, स्टूडेंट, महिलाएं, बहनें, क्या बात है, चारों ओर स्टेडियम भरा हुआ है। कहाँ हैं? हाँ कहाँ हैं? तुझे मजाक लग रहा है? ये ले ट्राई कर। मेरे गांव के मशहूर खिलाड़ी मणि कुमार उर्फ मनी और अशोक कुमार दोनों बैटिंग पर उतरे हैं। पहली गेंद फेंकी जा रही है और ये देखिए पहली ही गेंद पर बॉल आसमान में नजर आ रही है। ये कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। दूसरी गेंद बोल्ड करने के इरादे से फेंकी गई और ये देखिए बॉल। एंटोनी की टीम, बादशाह की टीम दूसरी पारी के लिए तैयार हो रही है। राधा का खेल देखने के लिए अभी बस 5 मिनट ही बाकी है। ओए कौन है ये? मैं बार बार बोल रहा हूँ लो एंगल से सेल्फी कौन ले रहा है? लो एंगल से सेल्फी? हम इतने भाग्यशाली नहीं कि वो देख सके। मेरा भी मन कर रहा है वहाँ जाने का यार, लेकिन क्या करे। क्या डिस्कशन कर रहे हो? क्लाइमेक्स आने वाला है, और जोर से बोलो। ओए माँ, अरे क्या हुआ? मेरी किडनी में दर्द हो रहा है। किडनी नीचे होती है बे। कैप्टन, दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैप्टन मुझे बचा लो। कैप्टन मैं मरना नहीं चाहता। उसकी हेल्प कर। चुप कर तू। मुझे कोई नहीं बचा रहा है, मैं खुद को संभाल लूंगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जाने दे, बेकार नाटक कर रहा है। एक तो निकल गया। What a shot! Oh, ये तो आउट हो गया और इसी के साथ आखिरी विकेट भी गया। ए, बस कर। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी दादी मर गई। मैं आग दूंगा तो ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दादी, तेरी खुद की उम्र दादा की है और तेरी दादी अभी तक जिंदा है। इतना ज्यादा भी मत फेंक। क्या भांजे, मेरी इकलौती दादी थी वो। क्वार्टर मांगता था तो फूल लाकर देती थी मुझे। ए, मामा मजाक मत कर। नहीं भाई, मुझे जाना ही होगा। अरे अपना मैच अभी बाकी है यार। मेरी टिक तो वो लोग लेके चले गए, अब मैं क्या करूँ। हेलो, क्या घर पे सुनामी आ गई? 3 फुट पानी आ गया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है। इसे भी भरोसा नहीं हो रहा है। मैं जाके वीडियो लेके आता हूँ। 2 मिनट में आया। अरे अगर तू असली मर्द है तो बाहर आकर दिखा। तू मुझे पकड़ के तो दिखा। क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। जोर मार। रुक जा। अरे यार।
कबड्डी 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 कबड्डी। कौन है तू? इसमें खंबे की तरह देखा हो गया। मैं खंबा नहीं हूँ, धोनी हूँ। ऑडियंस आओ, चलो वहाँ क्रिकेट चल के देखते हैं। चलो 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 चलो। आप लोग हमको देख के हंसो, इसलिए हम यहाँ कबड्डी देखने नहीं आए हैं। हम तो आपका रिएक्शन देखने आए हैं। आप लोग हमारा मैच देखने आएंगे तो हम आपको क्वार्टर के साथ मैच भी देंगे। जैसा ये कहता है वैसा बैटर नहीं, बिरयानी मिलेगी। बस कर बस कर, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तू मेरा नाटक देख। जीत हासिल करने वाली वीरांगनाओं को पुरस्कार कब देने के लिए हमारे गांव के नायक सरपंच जी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। चल निकल। हाँ चलिए, आप यहाँ से निकलिए, आपका काम हो गया। चलिए राधा, ये लोग टांग क्यों उड़ा रहे हैं? इसके पीछे जरूर कोई प्लान है। ऑलराउंडर राधी, सारी वीरांगना यहाँ इंतजार कर रही है। हमारे सरपंच बाहर फैंस कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मिस्टर धोनी कुमार, अभी आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन आज शाम सरपंच जी का वीडियो नवरस लीला के नाम से व्हाट्सएप पे वायरल होगा, तब सरपंच जी को समझ आएगा। भाइयों, तुम्हारी परेशानी क्या है? उंगली पकड़ाई तो तुम लोगों ने, गर्दन ही पकड़ ली। किसी को इशारा क्या कर दो तुम लोग व्हाट्सएप पे डाल दोगे क्या? क्यों भाई, पंचायत में फाइन भरने को कहा तो यहाँ तुम मेरी इज्जत उतार रहे हो। सबको शेयर इट कर दो। चुप कर बेटा, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? आप हमारा मैच देखने क्यों नहीं आए? वो लट्ठे से गेंद मारते हैं, वही मैच। क्या कहा? तुम्हारे जाने के बाद इन्होंने पकड़ लिया था, इन्होंने पकड़ा तो छोड़ा ही नहीं। हाँ, लेकिन आप जो पकड़ने वाले थे वो हम देख रहे थे। अरे मतलब क्यों नहीं होता, देखो सारे लोग यही देख रहे हैं। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस टूर्नामेंट के कप को तुम लोग अपने हाथों से देना चाहते हो, बस यही ना? हाँ भाई, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। मैं आप सभी को एक खास बात बताना चाहता हूँ। इस टूर्नामेंट में विजेता को देने के लिए अब हाथ ऐसे मत करिए, कप बोलिए। हाँ, वो कप को मेरा छोटा भाई जो गांव का बहुत बड़ा दिलेर शेर है, जो हमेशा सिक्सर मारता है। आप मिक्सर मारते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? तुम इसकी दोस्ती छोड़ दो, अच्छा रहेगा। तूने इनकी बात सुनी ना? बोलिए। वो क्या है ना कि अचानक मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, तो हाँ? इस टूर्नामेंट के कप को मेरा छोटा भाई देगा और यही सरपंच का फैसला है। सरपंच जी, अपना फैसला बदलिए प्लीज। नहीं है, अभी अर्जेंट काम है, इसलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। नमस्ते। बहुत गेम खेल दिया ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये जिंदगी आखिर है क्या? सुबह उठे तो एक कप चाय, ना उठे तो शमशान। फोन उठाओ तो इनकमिंग कॉल, ना उठाओ तो मिस्ड कॉल। अरे चुप करिए, जिंदगी में प्रतियोगिता होनी चाहिए लेकिन जिंदगी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। अब धोनी फैंस क्लब की ओर से सरपंच जी ने कहा, इसलिए हम ये पुरस्कार आपको देंगे। चलिए आ जाइए। इस कप को लेने के लिए आई राधा जी। मेरे बारे में बोल, इस छोटे से कप को बड़ा दिल करके देने वाले धोनी कुमार जी के लिए आप सब लोग तालियां बजाइए, बजाइए तालियां, बजाइए बजाइए बजाइए। शक्ल क्या दिख रहा है? देना दे दिए दीदी।
पंडित जी थोड़ा संभाल कर कीजिएगा। हाँ, साथ में फेस वॉश भी कर देता हूँ ना। तो तुम पेडिक्योर मैनिक्योर भी करोगे क्या? उसकी जरूरत नहीं है, जितना कहा उतना करो। जब तुम नंगे घूमते थे तब से हम अयप्पा को साफ करते आ रहे हैं, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मुंह बंद करके अपना काम करो तुम। अब सबको पता चल गया ना भगवान की गले की चेन कहाँ गई, खुद ही बता रहे हैं। सही कहा। ओए बेकार में कुछ भी बकवास मत करो, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तुम भगवान को छोड़ मत देना। बेटा हम वीरों के खानदान से हैं, पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं जैसे लोहे को जंग पकड़ता है। ये तुम लोग क्या लेकर के आए हो? टोनी फैंस क्लब की ओर से भगवान जी को छोटी सी भेंट। कहीं ये लोग बैट बॉल तो लेकर के नहीं आ गए? पंडित जी साबुन। अयप्पा को साबुन? अरे उनके लिए नहीं, आपके लिए। बद्दू यहाँ तक आ दिए। तू आज मेरे क्रोध का भागीदार बनेगा। ए, हाँ? क्या है ये, इनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हम भी दिखाते हैं अभी। अरे स्वामी जी कितने सालों से आप इन्हें किनारे पर नहलाते आए हैं, बीच नदी में जाइए और अच्छे से नहलाइए ना। हाँ, बीच में पानी बहुत अच्छा है। बीच में क्या मिनरल वाटर बह रहा है ये भी ना। हमारी पीढ़ियां वहीं नहाती आ रही हैं, तू अभी बच्ची है तो क्या समझेगी। अरे इसके तेवर। अरे ये बच्ची ने कह दिया ना, तो फिर बहस को कर रहे हो? अयप्पा को बीच नदी में लेकर जाओ। वो क्या है ना, मुझे तैरना नहीं आता इसीलिए सोचना पड़ेगा। तुम्हें नहीं आता लेकिन भगवान को तो आता है ना, क्यों बकवास कर रहे हो? यही मेरा फैसला है, ले जाओ बीच नदी में। ठीक है सरपंच जी, आपकी बात कभी ना की है, उठाओ भाई उठाओ। स्वामी हमारे गांव को बिना किसी परेशानी के हमेशा खुश रखना। आरती के लिए हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान इस बार अच्छी बारिश होनी चाहिए ताकि सभी लोग भर पेट खाना खा सकें। जय हो प्रभु जय हो। अब भगवान को संभाल कर डुबकी लगाओ। ओए होए अयप्पा स्वामी जय हो। यहाँ सांप, अरे सांप है। सांप है, अरे सांप है सरपंच जी सांप। अरे क्या हुआ? भगवान हाथ से फिसल गए। भगवान हाथ से फिसल गए? अरे किसी ने ढोलक ठीक से नहीं बजाई क्या? कौन बकवास कर रहा है बे? क्या क्या बकवास, यहाँ कौन बकवास कर रहा है? ए, तुम लोग को दुग्धा अभिषेक करने को कहा गया था और तुम लोगों ने भगवान को ही छोड़ दिया, इसीलिए मैं मना कर रहा था। लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है और ये कैप्टन भी नहीं मानता मेरी बात। अबे क्या देख रहा है, जाके खोजना। मैं कैसे जाऊं? क्या सरपंच जी ऐसे चुपचाप खड़े हैं आप? अब देखो मैं कैसे बोलता हूँ, अयप्पा इस गांव की रक्षा करते हैं, अब हमें उनकी रक्षा करनी होगी। सभी नदी में उतर के ढूंढो उन्हें। तुम्हें डूबने से मैंने बचा लिया। हाँ, इसका मतलब मेरे बच्चे के बाप तुम हो। क्या कह रही है तू भाई, पागल है क्या? मैं इसे बचा लूँ क्या? अरे पहले तो भगवान को ढूंढ। अरे बहन जी भगवान को ढूंढिए। हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो। देखो क्या भाई, भाई हा? क्या कर रहे हो? पानी बाहर निकाल रहा हूँ मैं, भगवान की मूर्ति आराम से मिल जाएगी, भीगेंगे भी नहीं हम। मतलब शायद भीग नहीं चाहिए। वहाँ देखिए भगवान यहाँ नहीं है। आप चुप रहिए और वहाँ मत खड़े रहिए। यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ से देखिए। अरे भगवान को ढूंढ लेंगे, उसे बाहर बुलाओ ना। ओए नहीं मिलता है तो आ जाना। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे भाई जल्दी आना यार, आ जाओ आ जाओ। अरे बहुत बारिश भी शुरू हो गई है, बाहर आना भाई। अब चाहे बारिश हो या बिजली हो जाए,
हमारी रक्षा करने वाले भगवान को मैं ढूंढ कर ही बाहर आऊंगा। राधा तुम बाहर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, कितनी देर पानी में रहोगी, बीमार पड़ जाओगी। बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर। मुझे कमजोर मत समझना, मैं भी अपने हीरो की तरह किसी मर्द से कम नहीं, अपने पर आ गई तो शेरनी हूँ, ऐसे गीदड़ों की तरह बाहर नहीं आऊंगी। अब मैं भगवान को लेकर ही आऊंगी। अरे ढोल बजाओ और जल्दी पुजारी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ उसे। भगवान अय्यप्पा, आगे तेरे कैप्टन ने ढूंढ लिया। अय्यप्पा इस गांव की रक्षा करते हैं, लेकिन तुमने तो आज भगवान की रक्षा की है। मैं तो नाम का सरपंच हूँ, असली सरपंच तो तुम लोग हो। जो ठीक करो। दीदी आज गुलाब के फूल दीजिए ना। इन कपड़ों में मोगरे के फूल ही बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है दीजिए। हे भगवान, पूजा का टाइम निकला जा रहा है। क्या पंडित जी, ये टाइम है मंदिर आने का? सुबह की पूजा तो गई, अब शाम की होगी। क्या करूं बेटा, पंडितायन को उठने में देर हो गई थी आज। भगवान से ज्यादा तो पंडितायन को पूजना पड़ता। अरे तो और क्या करूं, पंडितायन के बिना तो ये पंडित हिल भी नहीं सकता है ना। चलिए अब। अरे ये भगवान, ये क्या, कौन हो तुम दोनों? मंदिर में घुसकर क्या कर रहे थे तुम दोनों? ओहो, बंद मंदिर में दीवार कूद कर घुस गए थे, तो फिर मैं ये चाय भी लेके क्यों घूम रहा हूँ? क्यों बे, तुम लोगों की इतनी हिम्मत? मैं पुलिस को बुलाऊं या सरपंच को? पंडित जी ऐसा कुछ मत कीजिए। पंडित जी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, गांव से भाग कर आए हैं, हमारे गांव वाले हमें मारने आ रहे हैं, कोई छिपने की जगह नहीं मिली तो अंदर घुसा है, प्लीज पंडित जी। अरे 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 खड़ा हो जा, तूने मुझे पंडित समझाया कि ब्रोकर? ये मंदिर है, होटल नहीं है। ए, मैं मामूली पंडित नहीं हूँ, चीता हूँ, चीता, तगड़ा चीता। मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर ही तुझे खतरा ज्यादा है। एक मिनट, इन्होंने मूर्ति चुराई है क्या, मंदिर से पैसे चुराए हैं क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किस गांव के हो तुम? ओए नीलकंठ शास्त्री, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म और मुझे? तुम मुझे ही शर्म की बातें सिखा रही हो, ऊपर से नाम भी ले रही हो मेरा। भगवान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? उन्हें सब दिखाई दे रहा है, तुम्हारी सारी हरकतें दिख रही हैं उन्हें। हे भगवान, मेरे ऊपर बेकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस दुनिया में कोई सुनने वाला है कि नहीं? है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई इनकी जान ले ले इससे पहले इनको तुम्हें एक करना होगा। बिल्कुल सही, प्यार करने वालों को मिलाना इंसानियत को बचाने जैसा होता है। मुहूर्त का समय खत्म होने वाला है, जल्दी से शादी कराओ इनकी। मंत्र आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूं? मंत्र तो मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही पढ़ूंगा। चलो पीछे हट जाओ जरा। ओम मत पंकज विष्टो हरि हरो वायुर्महोदनाम चंद्रो भास्कर वित्त पाल वरुण प्रतापादि ग्रह प्रद्यम्नो नलकूबरो सुरगज चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्च लाल गंगाधर गायत्री गरुड़ो गंगाधराया। आइए उन्हें दो, अब माला पहनाओ, मंगलसूत्र हाथ में दो, लड़के के हाथ में दो, और जोर से तीन गांठ बांधना, फूल बरसाओ। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरधज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चलो जाओ जाओ, सुखी जीवन का आशीर्वाद। भैया एक मिनट रुको ना। क्या हुआ भाई? अरे ये क्या, इस माला को पहनाने के बाद आप दोनों की जोड़ी मस्त लग रही है। तुमने तो, सॉरी सॉरी, बस एक सेकंड। आजा थोड़ा सा। ठीक है, हम जहाँ भी जाएंगे आप दोनों को कभी नहीं भूलेंगे। खुश रहो दोनों, चलता हूँ। थैंक्स भाई। चलती हूँ। चलो।
लगता है दूल्हा बड़े घर से है। सुनो बेटा, चुप चुप। ऐसे धूमधाम से लड़की देखने जा रहे हो क्या? नहीं, लड़की उठाने जा रहे। क्यों, लड़की नीचे गिर गई क्या? वो वहाँ आकर देख लो, बजाओ रे। अच्छा ठीक है। कहाँ हो मेरे जाने मान? रेडी? ओ मेरी जाने मन बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओ मेरी जाने मन बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओ मेरी जाने मन बाहर आ जाओ, आ जाओ। ओ मेरी जाने मन। स्टॉप। कौन हो तुम लोग? ये कौन सा बकवास गाना गा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? हमें तो तुम चाहिए। ओह हाँ। ये इसके और मेरे बीच का मैटर है, तुम लोग बाकी का संभालो। ठीक है भाई। आज काला कहुआ इस सुंदर फल को नोच नोच के खाने वाला है। कौन है तू? ये बात सरपंच जी को पता चली तो खाल उधेड़ देंगे तेरी। तुम्हारा सरपंच खुद बंधे हुए बैल की तरह गाड़ी में आ रहा है, वो देखो। दूर रह। इधर ला इसे। सुनो सुनो, मुझे अकेला देखकर उठा लिया? अगर इनकी बीवी को भी साथ में उठाओ तो सुबह सुबह आके बोले कि बांधना है बांधना है, मुझे लगा कोई सामान बांधना है। गाड़ी में चढ़ा के इन लोगों ने मुझे ही बांध दिया। अगर ये सब मेरे गांव वालों ने देख लिया तो? अरे सब लोग देख ही तो रहे हैं, कुछ कर कहां रहे हैं? अरे ऐसे बोलूंगा तो गुस्सा आएगा ना। इस तरह से बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मार ही खा लो। अरे मार तक ठीक है, लेकिन उसके हाथ में तो हंसिया है। तुम मुझे हंसिया दिखा रहे हो? अरे आप भी तो कभी विलेन थे, तो अब क्या हो गया? ठीक है जाने दो। ए, अगर मेरा दोस्त आ गया ना तो याद रखना। कौन है तेरा दोस्त? बुला उसे। ए, अब उसे क्यों बुला रहा है तू? रुक जाओ, अभी बताता हूँ। क्यों भाई, कहाँ पर हो तुम? कुछ नहीं, कटिंग चाय पी रहा हूँ। क्या कटिंग मार रहा है? अरे यहाँ पे हमें काटने वाले हैं। अच्छा ठीक है भाई। ओए हमें आके बचाना। आपका भी ना दिमाग खराब हो गया है। लगता है इसे भरोसा नहीं हुआ। वीडियो कॉल करता हूँ। तू फिल्म शूट करके दिखाएगा? ए भाई सच में हमें बांध कर रखा है। आके बचा लेना यार, एक मिनट ये देख। बेटा नमस्ते बेटा, क्या हालचाल, सब बढ़िया? क्या बकवास कर रहे हैं, इसे आना होगा तो भी नहीं आएगा। अरे ये भी डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन ना डरने का नाटक कर रहे हैं। अरे हमें बचा ले यार। ए, क्या खड़े खड़े देख रहा है? बिल्डअप देना यार, तभी तो वो आएगा। पैसा कौन देगा उन्हें? बजाने से आएगा क्या? तो पहले बजाने को बोल दिया होता ना। इतनी देर से यही खड़ा हो गए। तूने मेरे लोगों को बांध के रखा, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ तूने मेरी आइटम भगा दी, वो ठीक था? हाँ ये क्या बकवास है? वो मेरी आइटम थी, उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। सिंगापुर से आया हूँ, लल्लू समझ रखा है क्या? मेरी शादी आज ही होगी, दुल्हन वो नहीं अब ये होगी। ओह तो इतनी सी बात है, ऐसी बात में इन लोगों के सामने इतना हंगामा क्यों कर रहा है? मुहूर्त वुहूर्त निकल जाएगा, लड़के को अंदर ले जाओ। हाँ, बात खत्म होगी। हाँ। क्या रे दुल्हन, चलूं क्या? ए, ए खोलो इन्हें। अच्छा हुआ उसने मेरे काम में टांग नहीं अड़ाई, अगर अड़ाता ना तो पंचर हो जाता। ये दे। अब तूने बेकार बात कर दी। हाँ अब होगा दंगा। अच्छा क्या है कि अब तक इन्होंने सिर्फ मेरा खेल ही देखा है, झगड़ा आप देखेंगे। यार पहले खुलवा तो दे, बाद में सब देख लेंगे। चुपचाप अपना काम करके निकल ले। करेगी? हाँ करूंगी।
अरे मत बजाओ, वो फिर से आ जाएगा, बहुत मारेगा। अरे बाप रे, नाटक कर रहा है ना, उनकी सिंपैथी लेना चाहता है तू? तुझे मार पड़ेगी, वो मान जाएगी क्या? इतना पागल समझा है तू उसे? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, अंदरूनी दर्द थोड़ा ज्यादा है। अंदरूनी दर्द की दवा हमारे पास है, हम देख लेंगे। इस अंदरूनी दर्द की मेरे पास भी एक पावरफुल दवा है। चलो, ये लोग रोमांस करने वाले, हम इनसे बाद में मिलते हैं। चलना, चलो चलो, अबे चलना। आज तो माला पहना कर शादी की, लेकिन कल पूरे गांव के सामने मंगलसूत्र पहनाऊंगा। आज से तुम मेरी पत्नी बन गई हो और मैं तुम्हारा पति, ठीक है ना? वैसे ना तुम इस माला में बिल्कुल रजनीकांत जैसे लग रहे हो। अच्छा, इन कपड़ों में मैं तुम्हारी एक फोटो ले लूं क्या? अरे एक फोटो से क्या होगा, जितनी चाहे ले लो। तुम कंघी कर रहे हो? ऐसे सुपरस्टार्स की तरह हाथ से बाल संवारते हैं। ए, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? अब पापा, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। अच्छा ठीक है, चलो। ओके। थोड़ा राइट में आना। अब थोड़ा सा लेफ्ट में। जल्दी करो, रात हो जाएगी। ले ली। हो गया, बाकी सब फोन में फोटो लेते हैं, तुम आंखों से ले रही। तुम्हें फोन में देखने से बेहतर है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखूं और इनमें समा लूं। I'm bold. तुम सबसे अलग हो। बस बस, ज्यादा तारीफें मत करो। एक साल नहीं, एक दिन भी काफी है। रजनीकांत की फिल्मों की हर हीरोइन की तरह तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहना चाहती हूँ। देखा, हमारी जिंदगी की शुरुआत में ये पेड़ भी फूल बरसा रहा है। हाँ, बरसाएंगे क्यों नहीं, गांव में एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हो और यहाँ पर मजे ले रहे हो। आओ आओ गांव में आओ, फिर बताता हूँ मैं सरपंच को तुम्हारे बारे में। अच्छा ये बात है।
ठीक है, खुश रहो, एंजॉय। मैंने कुछ नहीं देखा। आज इस नए साल के मौके पे हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज तक हम लोगों ने न जाने कितनी न्यू ईयर की पार्टियाँ देखी होंगी। कौन सी पार्टी? मतलब प्रतियोगिताएं देखी होंगी। देखो तो जरा, बोल तो ऐसे रहा जैसे यही आईपीएल मैच करवाता हो। इस साल सरपंच जी की आज्ञा से आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार पटाखों की प्रतियोगिता चाहे किसी भी चीज की हो। ताली बजाओ, ताली बजाओ। अब आप देखने वाले हैं फाइव स्टार। देखो हार्ट में कैसे तीर जा रहा। इसके बाद आप देखने वाले हैं 10 स्टार। और अंत में आप देखने वाले हैं 50 स्टार। और उसे जलाने वाला होगा हमारे गांव का सुपर स्टार। उसके लिए 1 लाख का इनाम देने वाले हैं हमारे गांव के सरपंच जी। तो कौन होगा वो स्टार? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। क्यों भाई, बीड़ी जला रहे हो या पटाखे जला रहे हो? लगता है इस गांव में कोई बहादुर मर्द बचा नहीं है क्या? हे प्रिया, तू जा रही है क्या? ए चुकर, इस डेंजर पटाखे को जलाने वाला कोई नहीं है क्या? धोनी फैंस क्लब की ओर से हम पटाखे जलाएंगे। अब ज्यादा मत उछल, पटाखा रजनी फैंस वाले ही जलाएंगे। ए, पहले अपने घर का चूल्हा तो जला ले, उसके बाद ही पटाखे जलाना। ए, क्या? क्या बॉस के टट्टू, रजनी फैंस क्लब की ओर से राधा ही पटाखा जलाएगी। चुप हो जा, क्या बकवास कर रही है, जलाने देना इन लोगों को। अरे वाह, प्यार आ रहा है, मार डालूंगी। तू प्यार करती है तो इन्हें छोड़ रही है, मैं क्यों जाने दूं? हाँ तो तुम मुझसे प्यार कर लो और छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता है, ये जिस गांव में रहता है तुम भी वही रहती हो, ये जो पानी पीता है तुम भी वही पीती हो, उसके पास जो है वही तुम्हारे पास है। क्या बोल रही है तू? बहादुरी बोल रही थी। बोल दे पटाखे जलाओगी? मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ हमारी चलती है और हम ही लोग पटाखे जलाएंगे। मैं देखता हूँ जरा। ओए सुनो, हमारी चलती है और हमारी चलेंगे, साथ होने होता है, हम लोग जा रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे आप उनके साथ क्यों चिपक रहे हो? अरे ये मेरी बीवी है, मेरी बात मानोगे या नहीं? तो चलो छोटे पैसे निकालो। अबे तेरे पास तो जरूरी होंगे, टॉस के लिए मांग रहे हैं, ये लीजिए। अब सब ध्यान से सुनो, ये सरपंच का फैसला है। सिक्का मैं ऊपर उछालूंगा, तेल आया तो राधा जलाएगी, हेड आया तो धोनी जलाएगी। अगर हैंड्स अप हो गया तो तुझे साथ में बांध के जला देंगे। मुंह बंद रख। ठीक है भाई, चलिए तो उछालो ना। तेल आया, राधा जलाएगी, मुझे टॉस भी करना नहीं आता। छोड़ कर मत जाना, मत जाना। नहीं राधा, नहीं राधा, नहीं।
कमार, एम्बुलेंस को बुलाओ ना। अच्छा हुआ कि तुमने नहीं जलाया। नहीं नहीं राधा, मेरे साथ हुआ तो कोई कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ कुमार, मैं मरने वाली हूँ। तुम मेरा मेरा एक काम करोगे क्या? बोलो ना राधा। तुम्हारी एक फोटो खींचनी है मेरे लिए, बस बस एक बार, एक एक बार हंस दो कुमार, हंस दो। नहीं राधा, पहले अस्पताल चलते हैं। प्लीज कुमार, हंसो ना। राधा, राधा, नहीं। ए सपने तोड़ चली, सपने दिखा के पत्थर दिल को भी प्यार सिखा के, तेरे भेजी सकूंगा कैसे मैं, तेरे बिन रह सकूंगा कैसे मैं, तेरे बिन चैन कहाँ पाऊंगा, अपना गम किसे सुनाऊंगा, सपने तोड़ चली सपने दिखा के, पत्थर दिल को भी प्यार सिखा के। ओ तेरी मुस्कान वो देती थी सुकून मुझे, तेरी हिम्मत सदा देती थी जुनून मुझे, सूने दिल को तेरा इंतजार था, मेरी जिंदगी बना तेरा वो प्यार था, तेरे बिन जीना भी क्या जीना है, दर्द के घूंट अब मुझे पीना है, सपने तोड़ चली सपने दिखा के, पत्थर दिल को भी प्यार सिखा के। राधा को खोने के बाद मैं उस गांव में चैन से नहीं रह पा रहा था, इसलिए अपने दोस्तों को बताकर यहां चला आया। दारू पीकर मैं अपने गम को भुलाने की कोशिश करता हूं, बस यही है मेरी कहानी। अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक इंसान को खोया है, लेकिन आपने तो अपनी जिंदगी ही खो दी है। इतने दुख झेलकर भी आखिर आप कैसे जी पा रहे हैं? दर्द तो रहता ही है, लेकिन मैं जी रहा हूं अपनी राधा के लिए। कल सबसे पहले हम पांडे को ढूंढेंगे, स्टेशन के आसपास एक मार्केट भी है, हम जाकर वहां ढूंढेंगे, वो जरूर मिल जाएगा। आप आराम से सो जाइए। तो बहुत टाइम जाएगा, एक काम कीजिए, आप उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देख कर आता हूं। ये लीजिए, ये मेरी फोटो रखिए, सबको दिखाने के लिए काम आएगी। भैया, आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? अरे बेटी, अभी एक गोरा सा लंबा सा लड़का तुम्हारा नाम नदिया बताकर ये पूछ रहा था कि तुमको कहीं देखा है क्या, और तुम उसकी फोटो दिखा के पूछ रही हो कि इसको कहीं देखा है। ये सब क्या है बेटी? वो किस तरफ गए हैं भैया? वहाँ उस मंदिर की तरफ। आपने इन्हें कहीं देखा है? ये ना यही कहीं पर होगा, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे पांडे से मिला दो भगवान, पांडे कहाँ?
ए, क्या हुआ? मेरा पांडे यही कहीं पर है। ऑटो, ऑटो, ऑटो। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ बैठो। तुम बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, बात इस एरिया में तू ही या तेरे चेले दिखाई नहीं देने चाहिए। अरे काले सर, कड़क माल आ रहा है भाई। अरे क्या करना, गिरा दिया। आराम से, यहाँ आसपास मेडिकल शॉप है क्या? अरे मुझे नहीं पता। अरे सुनिए तो, अरे आपका बैग। ओ भाई सुनिए, हेलो। हे गाड़ी रोको। हे कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मेडिकल शॉप ढूंढ रहा हूँ सर। मुझे कुछ शक हो रहा है, अच्छी तरह इसकी तलाशी लो। हे थैली में क्या है? मेरा नहीं है सर, वो स्कूटर वाले का है। सर ये तो लड़कियों का दलाल लगता क्या है। बात कर रहा? हाँ सर, केरला, चेन्नई, गुजरात, हर जगह की फोटो रखे हुए हैं सर। सर ये मेरा नहीं है। सर ये मेरा नहीं है सर, एक स्कूटर वाला आगे गया, उसका है सर। झूठ बोल रहा है, इसे चेक करो। सर ये क्या कर रहे? सर सबसे अच्छी लड़की को तो जेब में रखा है। सर इससे मेरी शादी होने वाली है सर। नाम क्या है? नदिया। सर ये फोटो मुझे दीजिए, मुझे जाना है। फोटो दे दूंगा, इसे एक घंटे के लिए मेरे पास भेज दे। सर वो ऐसी लड़की नहीं है सर। ओए, फोटो देखकर पता चल जाता है कि ये फ्रेश है या उस तरह की है। सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, फोटो दीजिए। हाँ दादा, पहले इसे लेकर मेरे पास आ, चुपचाप से इसे लेकर आ जा, वरना कल के पेपर्स में, सारे टीवी चैनल्स में बड़े बड़े अक्षरों में धंधा करते लड़की नदिया पकड़ी गई, इस फोटो के साथ ये न्यूज आएगी। समझे ना, जाकर ले आओ उसे। सर हम कमाने के लिए आए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, मेरी फोटो दीजिए सर। हे सिर्फ एक घंटे की बात है, हे जाओ इसके साथ। कोई गलत करे तो कोई पुलिस के पास आए, पर जब पुलिस ही गलत हो तो क्या? इसे मार कर फोटो ले इसके हाथ से। फोटो उठाओ नहीं तो खराब हो जाएगी। फोटो उठाओ। उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि क्या हुआ। तब से लेकर आज तक मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब तुम ही बताओ मैंने क्या गलत किया।
तुम्हें प्यार किया इस बात का गर्व है मुझे। जिस लड़की से प्यार किया उसके माथे पर कोई कलंक न लग जाए इसलिए कितनी तकलीफें झेली। तुम मामूली इंसान नहीं हो। ब्रदर, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है और आज भी जीता है। मेरा प्यार तो मुझे नहीं मिला लेकिन आपका तो मिल गया। हमेशा खुश रहिए। ये धोनी है। अभी तो कहानी खत्म की है, फिर से शुरू करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। इन्हीं से पूछ लीजिएगा, ये सब जानती है। ठीक है, चलता हूँ। धोनी कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना, गांव में रजनी फैंस क्लब खोलना है। ओ, तो फिर हमें भी शामिल कर लीजिए ना। आप दोनों का नाम सबसे पहले होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं। हमारी राधा की कमी आपने पूरी कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे तो और भी है। पांडे हा? वो देखो तुम्हारा दोस्त आ गया है। ये लीजिए धोनी, अपने हाथों से रिबन काटिए। अरे सुनो भाई, एक मिनट रुकना। अच्छा टाइम है, एक मिनट क्यों रोक रहा है भाई? ठीक है, दो मिनट रुक दो। अभी टाइम क्या हुआ है, ले हो गया ना दो मिनट। उधर देखो, अब उधर क्या दिखा रहा है? तो राधा की जैसी दूसरी नहीं हो सकती क्या? ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है, जापान में इसका मसाज सेंटर है। मसाज जाता हूँ। अबे पूरी बात तो सुन, उसके बगल के रेस्टोरेंट की मालकिन है। उससे अच्छा तो मसाज सेंटर ही था। हाय। जापान में ये भी रजनी फैंस क्लब की लीडर है, नाम आमाकुची मिशंगो। कौन सी कुची? आमाकुची। नाम अच्छा नहीं है क्या? कोनिचीवा। ये क्या बोल रही है? अच्छा धोनी के नीचे शिवा। तो उसके जैसी है। यू यू टू टू सेम सेम। आ हाँ, आई आल्सो टू टू। कुछ फंस गया है क्या? नाक से आवाज निकल रही है। दिखने में तो राधा जैसी लग रही है। ओपनिंग इसी से करवाएंगे। ओके। इधर। इसे भी ओपन कर दीजिए, यहाँ दबाइए। हाँ, इसे टच करने पर वो खुल जाएगा। ओए तू उसे टच मत कर।